हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जब कभी भी हम प्रिपरेशन करने जाते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको नहीं होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम उस स्टोरी को कोरिलेट करने लगते हैं कि उससे पहले भी हमारे साथ बचपन में, ग्रेजुएशन के टाइम, स्कूल टाइम पे अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होता है तो हम सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। आप लकी हो गए अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल नहीं आए हैं। बट मोस्टली सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब वो परेशान होते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, किसी कोई ना मिला तो भगवान को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम उन लोगों के सक्सेस स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन लोगों ने बेसिकली जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको सक्सीड किया है, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब केवल हम उनकी जो एग्ज़ामिनेशन की प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको तो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उनकी जो बेसिक स्टोरी है शुरू से लेके उनके एलिमेंट्री एजुकेशन, उनका ग्रेजुएशन, क्या क्या एक्सीडेंट उनके साथ हुआ, कैसे वो आगे सक्सीड किए, कैसे इस लाइफ को चूज किए, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या स्टोरी थी, जॉब कैसी चल रही है, जॉब के बाद क्या चल रहा है, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेज आए हैं, क्या वो कर रहे हैं, मतलब एक डिटेल में पूरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आप कुछ सीखेंगे और सीखने के साथ साथ आप इंजॉय करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज आप एक्सीडेंट डिस्कस करेंगे उनके लाइफ का। तो ये जो हमारी सीरीज है इसका ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं सौरभ पनवर साहब, इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल जीएसटी और कस्टम में, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो इनकी पूरी स्टोरी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट आप इंजॉय बहुत करने वाले हो। आपको पता चलेगा कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो केवल आपके लाइफ में नहीं हुए हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। तो आज इनके एक्सीडेंट को हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इतने सारे एक्सीडेंट होने के बाद ये इस पोजीशन तक कैसे पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अब उन्हीं से। तो जिनकी मैं बात कर रहा था सौरभ सर, अभी हम उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। सौरभ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी जो पर्सनालिटी है, मतलब आप यू आर लुकिंग स्मार्ट, मतलब ये जो स्टाइल है आपकी मूंछों वाली लाजवाब दिख रही है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारा चीज हम इनसे जानेंगे तो शुरू करते हैं यहाँ से। चूंकि मैं आपको पहले से जानता हूँ तो कुछ चीजें मुझे पता है, हो सकता है वो पार्शियली पता हो तो आप डिटेल में बताइएगा। मैंने ऐसा सुना है कि आपके टीचर्स जब आप जेएनवी में थे उस समय कहा करते थे कि तुम बोर्ड एग्जाम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें आर्ट्स लेना पड़ेगा, साइंस में एडमिशन नहीं होगा, ऐसी कोई स्टोरी है? हाँ, दोनों चीजें आपने जो कही है दोनों चीजें सही है। मतलब एक टेंथ के बोर्ड की है, एक ट्वेल्थ के बोर्ड की है। टेंथ के तो ऐसा क्या, हमारे स्कूल में क्या हमारे स्कूल में क्या होता था कि जैसे टोटल एक बैच में 80 बच्चे होते हैं, 80 स्टूडेंट्स, तो उनमें से टॉप 40 को साइंस मिलती थी, बिलो 40 को आर्ट्स मिलती थी। तो इस कंटेक्स्ट में एक बार क्या हुआ कि किसी लड़के ने एक बार मेरी एक कंप्लेन कर दी, तो मेरे फादर को बुला लिया गया। वहां फोन करके बुला लेते थे कि भाई ऐसे ऐसे आपके बच्चे की शिकायत है। वो भी एक फ्लॉड कंप्लेन थी, जो कंप्लेन की गई थी वो भी एक फ्लॉड कंप्लेन थी। खैर, मतलब फादर को बुला लिया गया तो फादर जैसे सबसे पहले क्लास टीचर से मिले और उस टीचर से मिले जिसको कंप्लेन की गई थी। तो उन्होंने बड़े नेगेटिव फीडबैक दिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दिए, क्योंकि हमारे फादर के दिमाग में, मेरी फैमिली के दिमाग में तो ये था कि हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा गया हुआ है पढ़ने। अच्छा। एक एग्जाम क्लियर करके गया हुआ है नवोदय विद्यालय का, तो ये हमारे परिवार में सबसे इंटेलिजेंट यही है, उनका तो ये मानना था। लेकिन उनको वहां आके कुछ और असलियत पता लगी कि ये तो यहाँ मोस्ट डम्ब है। ये तो क्योंकि सबने यही फीडबैक दिए। तो उसके बाद फिर फादर ने, मतलब पापा ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करता हूँ, मैं आज सबसे मिलूंगा, सब टीचर से मिलूंगा, सारे टीचर से, सबसे। तो सबसे एक एक करके मिलते रहे वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना वर्स्ट फीडबैक था। एक टीचर ने तो ये भी एक टीचर ने तो ये भी बोला कि अच्छा आप एक काम कीजिए, मेरे सब्जेक्ट की इससे बोलिए कि नोटबुक लेके आए। अच्छा। जिस पे हम क्लास में नोट करते हैं वो क्लास लिख रहे हैं। तो नोटबुक तो अपने पे नहीं होती थी। तो ये मतलब एक तरह से प्रूफ जा रहा था कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है। हाँ वही वही, मतलब सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही दिख रहा था। तो नोटबुक तो नहीं थी, तो उन्होंने कहा, वो भी टीचर भी स्मार्ट था, उसने कहा कि अच्छा चलो एक काम करो, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी नोटबुक ले आए। ले आओ, ये तो पूरा उतारने पे लग गया कि पूरा कपड़ा उतारेगा ये।
तो किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी नोटबुक नहीं थी, हम तो एक नोटबुक होती थी जिसपे पीछे गाने लिख रहे हैं, आगे कुछ लिख रहा है, कहीं आर्ट्स बननी है, कहीं डिजाइन बनना है, उसी में अपना कुछ बना बना के उसमें कर लेते थे। अब वो ले आए तो फिर अगर उसे ले आए तो सारा चिट्ठा खुल जाएगा। फिर पापा साथ में घर ले जाएंगे पापा। हाँ, तो पापा साथ में घर ले जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि भाई की पापा को लग गया कि टीचर्स आर ऑन द राइट साइड। तो हाँ, लड़के में ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, फिर जब क्लास टीचर से मिले तो उन्होंने, क्लास टीचर ने पूछा तो कि अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाओगे, ये 10th की बात है, कि 10th के बाद अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाओगे। तो माई फादर वॉज शॉक्ड कि कहाँ पढ़ाएंगे, मतलब क्या, ये तो 12th तक का स्कूल है, 12th तक हमने, इसने एग्जाम दे के 12th तक के लिए आया हुआ है यहाँ पे। कि यहाँ पे नहीं, पढ़े 12th तक का अगर आपको इसको यहाँ पढ़ाना है तो आर्ट साइड में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो टॉप 40 को मिलती है साइंस, और ये तो बिलो 10 में है, बिलो 20 में है। तो ये तो 80 में इसकी तो 60-70+ रैंक आएगी। तो नीचे से टॉप और करेगा नीचे, लड़का आपका। ये तो नीचे से टॉप करेगा। तो खैर, मतलब वो बहुत, वो वर्स्ट फेस से वो टाइम, वो 1-2-3 घंटे बहुत बेकार थे। एक टीचर ने ये भी बोला कि, एक ज्योग्राफी के टीचर थे हमारे, नाम नहीं बताऊंगा मैंने, उन्होंने ये बोला कि अगर ये लड़का 65% मार्क्स ले आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, उन्होंने तो मतलब पूरे दिल पे ले लिया लगता 65% मार्क्स जो है ना नवोदय के हिसाब से बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम, है। मतलब कि 65% वाला वो लोवेस्ट बच्चा है 10th क्लास में जिसके 65 आ रहे हैं। तो खैर कुल मिला के मतलब फादर को मतलब गुस्सा भी आया, उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया मुझे उस दिन, बहुत साल बाद। बस। वो पूरे गुस्से में जब वो जाने लगे, तो जाते टाइम मैंने उनको कहा कि मतलब मैं जब तक शायद 1.5 महीने के आसपास रह रहा था बोर्ड एग्जाम का, 1.5-2 महीने के आसपास रह रहा था, कि मेरे 70% मार्क्स आएंगे पक्का। तो पापा साथ फादर ने में। जैसा हाँ फादर ने जैसा फीडबैक लिया था, तो पापा को 70 बहुत ज्यादा लगे कि 70, तो अगर इस फीडबैक के हिसाब से 70 आ जाए। और पापा सब, फादर भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, भाई भी यूपी बोर्ड से पढ़ा है, सब ताऊ चाचा सब, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए 70 वैसे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, उस टाइम पे ज्यादा हुआ करता था। अभी तो हो हाँ, गया है, बट अभी उस अभी टाइम तो फिर तो मुलायम सिंह का टाइम आया, चीजें बदल गई, लेकिन मतलब पे। कि ज्यादा ज्यादा होता था। तो फादर को तो एक्सपेक्ट नहीं हुआ बिल्कुल कभी 70% मार्क्स आएंगे। खैर, मैंने उनको प्रॉमिस करके भेज दिया पक्का कि अगर मेरे 70 ना आए तो जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। मुझे पक्का पता था, मुझे तो और ज्यादा पता था, मैंने तो थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशन पे बाकी लगाई अपना बार, क्योंकि अच्छा मुझे पता था मेरा टाइम तो अभी बचा है, अपना टाइम तो अब है अब पढ़ने का, आएगा तो लास्ट जितना ये नाइट। टाइम बच रहा है। तो 10th क्लास में तो ये केस हुआ था, उसके बाद मार्क्स ठीक आए, 80% मार्क्स आ गए। अच्छा, तो टीचर का शायद क्या हुआ? ट्वेल्थ ट्वेल्थ टीचर ज्योग्राफी वाला। टीचर मैं क्या है, टीचर तो डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, बहुत से टीचर ऐसे मतलब होते हैं। सर्टिफिकेट आप ले जाके दिखाए नहीं कि ये बंदा आप क्या चाहते हो, नौकरी छोड़ रहे हो या हमारे फिर? हमारे उसमें भी एक गजब गजब का एक किस्सा है। हमारे स्कूल में बोर्ड लगते थे, 75% से ऊपर वालों का ऊपर बोर्ड पे वालों नाम लिखा जाता था, अच्छा अच्छा डिस्टिंक्शन वालों का नाम लिखा जाता था। अच्छा तो अच्छा जैसे मेरी 13th या 14th ऐसी कुछ रैंक थी क्लास रैंक में। थी। हाँ। हाँ, तो मतलब पता नहीं, रैंक तो मुझे कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट। तो जैसे एक बोर्ड तो 1, 2, 3, 4 वो तो खत्म हो गया, तो और दूसरे बोर्ड पर सबसे अगले ऊपर बोर्ड आप। सबसे ऊपर मेरा नाम ये भी एक था। कॉन्सिडेंस ये भी मतलब मैंने खुद अपनी आंख से, मैंने खुद टीचर को देखा है, एक हमारे यहाँ हिस्ट्री के टीचर थे, एक हमारे सोशल साइंस के टीचर थे, गया। वो दोनों आपस में खड़े हैं, पूरा बोर्ड पढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो बोर्ड पढ़ के कह रहे हैं कि जब दूसरे बोर्ड पे गए, अरे इसका भी नाम है। मतलब 10th क्लास का तो ये वाला किस्सा है, 10th में जब 80% मार्क्स आ गए तो तब तो टीचर को लग जाना चाहिए ना कि भाई लड़का ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ कर ऐसा नहीं है कि हाँ, लेगा। मतलब ऐसा कोई तुक्का तो लगता नहीं, वहां कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आए नहीं है। फिर 11th में जैसा होता है, 11th हमारे यहाँ बहुत बेकार होती है बिल्कुल, जो कि नहीं होनी चाहिए, 11th क्लास इज टू मच इम्पोर्टेंट। लेकिन 11th क्लास में सब फेल, फिर भी पास करके उन्हें आगे भेज देते हैं 12th में। 12th अच्छा। क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ाई वगैरह। तो 12th क्लास में बिल्कुल जब 2 महीने ही रह रहे थे लगभग, तो एक पेरेंट टीचर मीटिंग थी, पीटीएम थी। तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में तो ये बात वाइस प्रिंसिपल ने बोल ली थी उस टाइम हमारे स्कूल के, मतलब वाइस अच्छा। प्रिंसिपल तक भी इतना डाटा था हाँ, कि ये कि मतलब लड़का। हमारे स्कूल तो कि हमारे स्कूल का
रिकॉर्ड बहुत अच्छा जाएगा इस बार, हमें उम्मीद है। अच्छा तो हमें सिर्फ 10th क्लास में एक बच्चे का डर है, उसका नाम लिया, वो नाम नहीं लूंगा मैं। और अच्छा 12th क्लास में सिर्फ सौरभ पवार का डर है कि जो डर है मतलब कुछ फेल हो खराब। सकते हैं, अच्छा कॉलेज फेल हो सकते कॉलेज का नाम खराब हैं करेंगे। जो स्कूल का नाम खराब करेंगे। ऐसे दो बच्चे हैं, और मेरे मतलब मेरे पापा कभी आते नहीं थे पेरेंट टीचर मीटिंग में, लेकिन वो गलती से उस दिन थे। तो थे तो पापा का कॉन्फिडेंस तो ऊपर रहा होगा ना कि 10th में लड़का बोल के लाया है। हाँ, मतलब पापा को तब तक इतना पता लग गया था कि मतलब ही इज नॉट अ क्लासरूम बॉय, और ये ही इज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ टीचर्स, मतलब ये कभी रह नहीं सकता, ये कभी हाँ मतलब इसकी इनका अगर मैं इसका फीडबैक टीचर कभी सही नहीं दे पाएंगे, मतलब इतना ट्यूनिंग पता लग गया था। ट्यूनिंग ठीक नहीं है लड़के की टीचर के हाँ, साथ। लेकिन पापा को फिर वो जैसे 12th क्लास में बोर्ड प्री बोर्ड होते हैं ना, तीन प्री बोर्ड, तो तीन तीन प्री बोर्ड में, तीन के तीन में जब मैं फेल था किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो अच्छा फिर फादर को ये भी दिख रहा था भाई कि पढ़ा तो इसने अब तक है नहीं। अच्छा फिर तो क्या 12th तक हम मालूम, थोड़े क्या वैसे भी मालूम क्या कुछ कुछ नया ही कर दे इस बार। क्या कुछ पता नया। फेल ही हो जाए। तो हाँ खैर वो जब फिर 12th में भी 80% मार्क्स आ गए, ऐसी गाड़ी चलती रही। फिर फादर को तो दिख गया कि ये मतलब ये कुछ और है, इसका तरीका भी कुछ और है, और इसलिए उन्होंने मेरे पे फिर ज्यादा रिलाई किया कि नहीं इसको गवर्नमेंट जॉब करानी है हमें, ये तैयारी करेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि पहले तो हमने इतनी लंबी स्टोरी डिस्कस किया, उसके पीछे का कारण बस इतना डिस्कस किया कि कंप्लेन तो कंप्लेन कुछ सीरियस था, और दूसरा क्वेश्चन कि टीचर इतना खराब फीडबैक क्यों देते थे? क्या आप टीचर का मतलब कुछ ज्यादा ही मजे लेते थे, परेशान करते थे, या फिर क्लास में मिस कॉल कर देते थे? क्या क्या रीजन था? मतलब वही जो बैक बेंचर बॉयज होते हैं थोड़े कुछ ज्यादा होते हैं, मतलब जैसे कुछ बैक बेंचर तो होते हैं, बैक बेंचर हैं पर ध्यान है थोड़ा वहां पढ़ाई पे, सामने वो सही सही जवाब भी दे रहे हैं, क्लास वर्क भी। मेन क्या होता है ना, टीचर के दिमाग में इमेज जाती है जो जिसकी नोटबुक अच्छी हो, जिसका होमवर्क अच्छा हो, जिसका प्रोजेक्ट अच्छा हो, जिसका। हमारा कुछ अच्छा नहीं था, हमारा सिर्फ बाद में लेट रिजल्ट नाइट अच्छा। फ्यूल बर्निंग, लेट नाइट फ्यूल बर्निंग अच्छी थी हमारी, और कोई कुछ अच्छा नहीं था अपना। मुझे 10th और 12th से एक चीज का कॉन्फिडेंस ये आ गया था कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, मतलब पूरी बुक दोबारा से उठा के। फिर अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे स्कूल में जो था वो एक राज सिंह मेरा दोस्त था, वो बहुत पढ़ता था वो भी। तो हम जो लास्ट का 1.5 महीना मैं बता रहा हूँ ना, तो हम रात को 4-4 बजे तक, बहुत मतलब ये तो आप समझ लीजिए कभी ना कभी तो आपको पढ़ना है, ये मोस्ट पढ़ोगे इम्पोर्टेंट तभी है। तो आएगा, मतलब मार्क्स तो ऐसे आ नहीं सकते। मतलब जो पहले जो स्टूडेंट है जो सिंसियर है वो डेली 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा डेली पढ़ते हैं, लड़कियां वगैरह है सब। जो सिंसियर नहीं है और उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, मान लिया हमारे टाइप के बंदे जो हो गए, वो बाद में 8-8 घंटे पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत आपका लक काम आएगा, थोड़ा सब कुछ काम आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर हम इक्विवेलेंस ही करना लेट पड़ता लेट है। हाँ पढ़ते थे, लेट लेट तक पढ़ते थे, फिर बस ये बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो इसके बीच में एक चीज अभी क्लियर नहीं हुई कि एक दो टीचर अगर खराब रिव्यू देते हैं तो समझ में आता है कि स्टूडेंट का कभी क्लैश हो गया होगा या फिर ईगो हर्ट कर दिया होगा स्टूडेंट ने, मगर सारे टीचर खराब रिव्यू दे रहे हैं आपका, मतलब कुछ तो किया होगा ना आपने, या कोई ऐसा एटीट्यूड मतलब था? ये मानो वी वर बैड स्टूडेंट्स, मतलब बैक तो में इसमें कोई मतलब बैड मतलब कि जो टीचर्स की गुड बुक में नहीं रह सकते, पिटाई अच्छा भी होती थी, सारे काम होते थे, दीवार कूद के बाहर चले गए। मतलब पढ़ाई तो मैंने लाइफ में कभी शायद तब तो 2-3 महीने से पहले एग्जाम के कभी पढ़ाई नहीं की। टीचर को क्या चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला तो होना चाहिए ना, ये तो पहली चीज है, बच्चे को पढ़ना तो चाहिए ना, जो वो मांग रहा है वो पढ़ाई तो होनी चाहिए, वो ही अच्छा कर नहीं रहे तो टीचर। और फिर आप एक तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक एक स्कूल में कुछ भी गलत काम हो रहा है, तो आपका कोई नाम हो कहीं रहा भी है। कुछ और हवा नाम आ रहा है, तो फिर आप हाँ एक ये पॉइंट भी आउट हो होता है कि जाते अगर आप ओबीडियंट नहीं हो, टीचर ने कुछ कहा आपने सुना नहीं, असाइनमेंट मांगा आपने दिया नहीं क्लास में, बोला कि इस दिन ये करना है, पता चले वो लड़का गायब है, तो वो लड़का तो नजर में आता है। हैं। हाँ, वो मतलब ये मानो आप ये कि लवर लवर यही टाइप था कि ये चीजें प्रॉब्लम थी। अब जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आप अभी एक तरह से सिविल सर्विस टाइप का जो आपकी जॉब है, इंस्पेक्टर की जॉब है, आप इंजीनियरिंग किए हुए हो, तो
इंजीनियरिंग में कैसे जाना हुआ और फिर इंजीनियरिंग से स्विच करना, क्योंकि इंजीनियर्स पे एक ये ब्लेम भी लगता है कि ये पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं फिर जहां मर्जी वहां घुस जाते हैं, बैंक में घुस जाते हैं, MBA में घुस जाते हैं, सिविल सर्विस में घुस जाते हैं, UPSC कर लेते हैं, नीचे वाली जॉब भी कर लेते हैं, बैंक में क्लर्क भी बन जाते हैं, सब नौकरी यही खा रहे हैं। तो कई सारे जगह बैन भी लग गया है कि आपने बीटेक किया है तो जैसे कुछ जगह अप्लाई नहीं कर कुछ सकते। तो ऐसे टीचिंग आपका टीचिंग मतलब उसमें इंजीनियरिंग में जाना कैसे हुआ? इंजीनियरिंग क्या है बोलना, मतलब हम बोल तो बहुत लेते हैं जब 12th क्लास में होते हैं, नहीं मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, मतलब लाइक दैट। लेकिन जब करने का टाइम आता है तो आदमी हमेशा, इंडिया में मेंटेलिटी ये है कि भाई कुछ भी करना है लाइफ में सेफ खेलना है, हाँ, सेफ रह के चलना है, पेरेंट्स के मन में मतलब भी ये समझ होता रहे, है और पेरेंट्स के मन में भी। हाँ हम मतलब तब तक 12th तक तो ये नहीं था कि आज जॉब करेगा, ना कभी लाइफ में इतना सोचा, ना घर वालों ने मैंने कि जॉब का भी कुछ, अभी 12th में बच्चा है क्या करेगा क्या नहीं। तो मतलब मेरे एक कजन थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में कजन थे, तो था खैर जब तक स्कूल में भी ये माहौल बन चुका था, कंप्यूटर साइंस हमारे यहाँ आ गई थी स्कूल में, हर कोई मतलब एक माहौल स्वे आ गई थी 2008 तक, हालांकि वो रिसेशन पीरियड था, पर तब एक कि भाई हर कोई बीटेक करेगा। बीटेक करने से आपको फायदे बहुत हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि आपने एक सीट खराब कर दी, ठीक है वो जब तक हमें रूल अलाउ करेगा ना, जब तक हमें गवर्नमेंट अलाउ करेगी रिजर्वेशन लो तब तक हम लेंगे और ये सिलेंडर, ये सिलेंडर। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि प्राउड टू बी इंजीनियर, जिसमें मैंने डाटा रखा था, कई सारे डाटा थे। हमारे MHRD जो मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि 2019 या 17 का, मुझे क्योंकि याद नहीं, जो टॉप 20 कैंडिडेट है ना उसमें 19 कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक और रीजन भी है कि इंजीनियर जो होते हैं ना, कि एग्जाम इतने हो जाते हैं कंपेरेटिवली, जैसे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं अपने आप को, BA BSc मैनेजमेंट, जो BCA बाकी का BBA वगैरह, सब ये सब कंपटीटर जो जो हमारे यही हमारे साथ हैं जिनसे हाँ, है। कंपिटिटर हैं। अब हमारे यहाँ हर 6 महीने में 3 सेशनल, 8-6 एक्सटर्नल एग्जाम, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ना पढ़ने वाला बंदा भी सेशनल तो देगा, थोड़ा असाइनमेंट सा तो पढ़ के लिखेगा। देगा, असाइनमेंट लिखेगा, प्रोजेक्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, प्रैक्टिकल। तो आपका एप्टीट्यूड लेवल और आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। राइटिंग स्किल भी हो जाती है, 100-100 पेज लिखना पड़ता है तो। हाँ फिर अब हमें आया, अब इसके बाद मौका आता है कि आपके कॉलेज में ऑन कैंपस जब कंपनी आती है, सपोज TCS, विप्रो, इंफोसिस, LNT वगैरह कुछ भी आई, तो अब वो लेके गई, वो दे रही है 28,000 रुपये प्राइवेट जॉब, घर वालों के दिमाग में भी प्राइवेट, रिश्तेदारों के दिमाग में भी प्राइवेट, और मुझे ये पता है कि एक बैंक PO का एग्जाम है जो इतना आसान है अपने लिए, या एक SSC CGL का एग्जाम है जो इतना आसान लग रहा है, उसमें सैलरी है 40,000 रुपये और वो गवर्नमेंट है। तब तब हम इतना नहीं सोचते कि इसमें ग्रोथ प्रीव्यू कितना है, इसमें ग्रोथ प्रीव्यू कितना है, तब इतना नहीं सोचते हम कि इसमें कहाँ हाँ, जाएगा, इसमें कहाँ जाए, लेकिन हम स्टार्टिंग देखते हैं, फिर वो एक गवर्नमेंट जॉब की जो सोशल रेस्पेक्ट है, ये मतलब सबसे XYZ बड़ी चीज बहुत मुझे चीजें लगता हैं। है कि वही है, सोशल रिस्पेक्ट और एक जॉब सिक्योरिटी। आदमी को देखो आप बीटेक करने से नहीं रोक सकते, मतलब जब तक, या तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी यानी ऐसी होनी चाहिए, अब तो बीटेक छोड़िए आप, IIT बीटेक, IIM MBA करने वाले IAS बन रहे हैं, जॉब छोड़ के आ रहे हैं, तो पैकेज छोड़ के आ रहे हैं, जॉब वो छोड़ बोल के, रहे हैं। हाँ जॉब छोड़ के आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, ये है वो है, तो बस यही कहानी है। मतलब ऐसा बीटेक तो कोई ऐसा कि नहीं था, ना तब ये था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, ना तब ये था कि, हालांकि मेरा इंजीनियरिंग में बहुत रुचि थी, ऑटोमोबाइल हाँ, पहले इंडस्ट्री में एक मेरी ट्रेंड बहुत था कि जो रुचि लड़का पढ़ने में होशियार है उसको इंजीनियरिंग में जाना है, और घर वाले भी कहते थे और बच्चा भी कि हम क्यों नहीं थी। करें मतलब इंजीनियरिंग, जब हमसे कम वाला कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। गांव देहात से जहां से हम है ना, वहां पे दो चीजें होती है कि जिसने जिसने साइंस साइड ली वो होशियार, और जिसने बीटेक की वो होशियार, वो वो चाहे नहीं, फेल हो रहा है मगर बोले मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक में एक बार जाने के बाद ना, अगर आप पास हो रहे हो किसी भी तरीके से, अगर आप पास हो रहे हो तो कुछ तो होगा, आप में बदलाव तो हो ही जाता है, डम से डम बच्चा जाता है। UPTU जैसी यूनिवर्सिटी अगर है और आप हाँ पास भी हो जा रहे हो तो हाँ वो बहुत बड़ी बात है अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं इनका ये क्वेश्चन होता है और वो सोचते रहते हैं, और मैक्सिमम लोग जाते हैं तो यूट्यूब पे यही सर्च करते हैं कि जो सक्सीड किया है वो कौन सी बुक पढ़ता था, वो राइटर कौन था, कितने घंटे पढ़ता था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, उनका जो शेड्यूल होता है
वो क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोग हाइपर भी होते हैं कि उनके साथ वाले 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैं तो कम पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसा होगा। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लूप फॉल्स हैं, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो यूट्यूब पे स्टोरीज भी पड़ी हैं उनमें भी बहुत बार देखा गया कि किसी ने एस्टिमेट बहुत कम कर दिया कि मैं तो 2 घंटा पढ़ के हो गया, कोई कह देता है कि मैं तो 18 घंटा पढ़ा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या थी प्रिपरेशन की, कैसे आपने स्टार्ट की, क्या आपका प्लानिंग था, कितने घंटे पढ़ते थे, रिसोर्सेज जो थे बुक के वो कहाँ से फॉलो किया आपने, कोचिंग किया नहीं किया, ये सारी चीजें अगर आप डीप में थोड़ा शेयर करें तो। मेरा मेरा सिलेक्शन यादव भाई, मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2013 से। अच्छा ये मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा और फर्स्ट में हो गया तब सिलेक्शन। इस हाँ इसके लिए मैंने कोचिंग नहीं की थी, अच्छा सीजीएल के लिए मैंने कोचिंग नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ी अब बात है, इसमें क्योंकि हम कोचिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लोग, कोचिंग करना ही पड़ता है। वो उसकी भी क्या इम्पोर्टेंस है मैं बताता हूँ आपको, वो भी क्यों अच्छा जरूरी है। कोचिंग भी जरूरी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैंने उससे पहले कुछ कोचिंग कर ली थी, जिसलिए अच्छा मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी। कोचिंग अच्छा आपके लिए ना गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको करना जी क्या है, आपको पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप ये चीज नोट कर लीजिए कि एग्जाम आप जो देने जा रहे हैं उसमें मार्क्स का वेटेज क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। 10 बार सिलेबस पढ़िए, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्या पूछ रहे हैं। मेंसुरेशन आता नहीं है, आप मेंसुरेशन पर लगा रहे हो 4 दिन, पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी कोई सिलेबस में है पूछता कि नहीं है। हाँ प्रोबेबिलिटी कोई पूछता नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लेके बैठे हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप सबसे ज्यादा गलत कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहला आपको यही पता लगना चाहिए कि आपको कौन क्या क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या बच गया, बस अब कितनी किताबें बच गई। हमको सही से किसी ने गाइड कर दिया चाय की दुकान पे, गाइड हमारे जो गाइड होते थे वो गाइड चाय की दुकान पे मिलते चाय की में। दुकान पे मिलते थे हमें, क्योंकि ऐसे ना तो कोई अपना दोस्त था जो गवर्नमेंट जॉब में था पहले, या मेरे साथ वाला कोई गवर्नमेंट जॉब की ज्यादा तैयारी कर रहा हो ऐसा। मतलब अब मेरे साथ वाले ज्यादा मस्ती हो रही वाले ज्यादा थे, और अपने रिलेशन में अपने रिलेटिव वगैरह कोई ऐसा नहीं था जो ऐसा इस टाइप की तैयारी कर रहा हो। तो वहां हमें सबने बताया कि मैथ्स के लिए मैंने एक किरण की एक बुक आती थी तब, हो सकता है वो अच्छा आज वो फिट ना हो उस चीज के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत बदल गया है, 13 से 20 7 साल हो गए हैं, एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया है। तब हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था। और इंग्लिश के लिए मैंने प्लिंट टू पैरामाउंट एक बुक आती है नीतू सिंह की, जो ये केडी कैंपस वाली जो नीतू सिंह मैम है उनकी अभी कृति एक जो आती अलग है। हो गई कोचिंग, पहले उनके हाँ साथ थी ना। हाँ यस यस, उनका पैरामाउंट से अलग हो गया केडी कैंपस। तो नीतू सिंह वाली वो मैंने बुक पढ़ी है इंग्लिश के लिए। रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ी, जीएस मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा मतलब क्यों सिलेबस। अब हाँ ये मतलब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आज के टाइम नहीं स्किप कर सकते आप, अच्छा क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे पता था, हमें पता था कि कट ऑफ जाएगी 85 to 95, और हमें पता था हमारे मैथ्स में आएंगे 45, रीजनिंग में आएंगे 45, इंग्लिश में आएंगे 25। तो आप कह रहे हो कि आपने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो ऐसा क्यों, रीजनिंग आप क्यों नहीं पढ़े, क्या रीजन था इसका। रीजनिंग क्यों नहीं पढ़े, ये भी हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। हम क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि जब वो ऑन कैंपस कंपनी आती है तो वो भी एक रिटर्न एग्जाम लेती है, या टीसीएस इंफोसिस वगैरह आती है, और वो एक अच्छे लेवल का रिटर्न एग्जाम होता है। मतलब मेरे हिसाब से जो एसएससी सीजीएल की रीजनिंग है या बैंक पीओ की रीजनिंग है उससे थोड़ा टफ होता है, आर एस अच्छा अग्रवाल टाइप, यानी कि थोड़ा कैट टाइप क्वेश्चन डालते हैं वो। अच्छा तो उसमें क्या हुआ, उसमें हॉस्टल का एक मोमेंट, मतलब हॉस्टल का एक मोमेंट है उसमें, कि आप ये समझ लीजिए उस वजह से मैं दिल्ली आया। अच्छा वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो कहते हैं ना आपको किक कहाँ से मिली, अच्छा तो वो किक मुझे वहां से मिली है। तो हॉस्टल जब से। हम तैयारी करते हाँ तो जब हम तैयारी करते थे हॉस्टल में अपने कॉलेज में, मेरे टाइम आईआईटी में, तो वहां क्या होता था कि सब सब अपने क्वेश्चन लगाते थे आर एस अग्रवाल के, तो सबको कुछ ना कुछ डाउट आता था, हमें भी आता था, तो कोई ना कोई क्वेश्चन अटक जाता था। तो दो तीन लड़के जैसे हमारे साथ बहुत होशियार थे, एक भरत गुप्ता लड़का था कंप्यूटर साइंस का आईटी का, और एक एक डीटी लड़का था, डीटी बोलते थे उसको, उसका नाम था अंकित, अंकित गुप्ता नाम था शायद, डीटी इसलिए बोलते थे उसको, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो बोर्ड में, अपने अच्छा डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था।
तो मतलब आप समझ लो कि ये किस लेवल के का उनका इंटेलेक्ट हो गया। तो वो डाउट लेके आते थे अपने, जब एक आध क्वेश्चन में अटकता है आदमी पूरे दिन में, जो थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, तो जिस टाइप के भी डाउट लेके आते थे, तो मतलब पता नहीं कैसे मैं इजिली कर देता था, अच्छा इजिली नहीं करता था, तो घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा पक्का, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर देते थे। लॉजिक हो जाता था क्वेश्चन। हाँ, कुछ ना कुछ लॉजिक हो जाता था। तो जो भरत था, उसको पता नहीं, पता याद होगा या नहीं, उसने मुझे कहा था उस टाइम कि सौरभ तेरा एप्टीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मतलब तुझे ऐसे एग्जाम में ट्राई करना चाहिए, बैंक पीओ टाइप। मुझे तब तक आइडिया कुछ नहीं था कि बैंक पीओ वगैरह क्या थे। तो तब एक किक लग गई कि मतलब आर एस अग्रवाल तो अपने हाथ के ऊपर नहीं जाएगी। तो फिर हम आए मुखर्जी नगर। फिर मुखर्जी नगर की भी कहानी है, कैसे कैसे ऐसे सीसीजीएल तक पहुंचाया गया, वो तो एक बड़ी कहानी है। तो फिर मतलब तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस लेवल की एसएससी में रीजनिंग आती है, वो रीजनिंग, क्योंकि हम सैंपल पेपर तो बाद में लगाएंगे, बाद के 30 दिन 30 सैंपल पेपर लगाते थे। एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। तो उन 30 दिन में जो सैंपल पेपर में रीजनिंग कवर हो जाएगी, मुझे पता था वो मोर देन इनफ है। और रीजनिंग में हमारा टारगेट होता था 48 मार्क्स लाने हैं, 47 मार्क्स लाने हैं, और वो बिना पढ़े लाने हैं, तो ऐसा टारगेट होता था। जीएस क्या था, जीएस मेरा बहुत वीक था, बहुत ज्यादा, जीएस ना पढ़ने का रीजन, वो अपोजिट है जीएस ना पढ़ने का रीजन। तो उसके लिए मुझे इनपुट बहुत देना था, बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत थी, बहुत टाइम देना था। तो मैंने अपने मार्क्स वगैरह देखे कितने बैठ जाएंगे, मतलब 115-120 आ जाएंगे बिना जीएस के। तो फिर जीएस स्किप कर दी, क्योंकि और मेरे जीएस में नंबर थे 6 6 अच्छा, तो आउट ऑफ 6, फिफ्टी। हाँ, आउट ऑफ 50 मेरे 6 मार्क्स थे जीएस में। तो अच्छा खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर सीजीएल हो गया, फिर मेंस का एग्जाम आया, तो मतलब हो गया बस मतलब यहाँ अच्छी पे भी तरीके एक से। मैसेज है कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट इतना अच्छा से प्रिपेयर कर लेते हैं कि उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म यस करते हैं, यस तो जिनमें इनपुट की बहुत ज्यादा जरूरत है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर कम मार्क्स के हैं तो, वेटेज कम है तो। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये दो तीन क्वेश्चन इसमें मैं डाल देता हूँ कि कुछ ऐसा है कि बहुत बार सबके लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ऐसा टफ टाइम आता है, आदमी ब्रोकन फील करने लगता है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो, कुछ गलतियां हो, या फिर प्रिपरेशन करने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो वर्कलोड हो रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है और सबके लाइफ में ये होता ही होता है, ये इंसिडेंट आता ही आता है कि वो आदमी अब लगता है यार कि मुश्किल है, उससे नहीं हो पाएगा या छोड़ देना चाहिए या कुछ भी, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी? मतलब ब्रोकन वाली फीलिंग तो मुझे लाइफ में कभी नहीं आई, फैमिली की तरफ से भी कभी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया। वो डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है, मोस्टली को आ जाती है, मोस्टली को आ जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन मेरे साथ भी, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद सौरभ ये तेरे लिए नहीं है, मतलब कि तेरी किस्मत कह रही है कि तू कहीं और जा। मतलब एक बार को, क्योंकि बड़े इसके भी बहुत सारे किस्से हैं, एक क्रोनोलॉजी है इसकी भी अच्छा, पूरी, कैसे पूरी क्रोनोलॉजी कैसे। बताइए, हम सुनने के लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं। इसमें स्टार्टिंग में हम जब दिल्ली से, मतलब मेरठ से, फिर हम शायद जुलाई पास आउट थे, जून जुलाई 2012। उसके बाद हम दिल्ली गए 4 दोस्त, और दिल्ली में जाके अपना फ्लैट वगैरह लिया। तो हम आए थे क्लबिंग करने। अच्छा, मजे लेने। हम आए थे कि हम देखेंगे दिल्ली, स्मॉल अच्छा टाउन बॉयज अब आ गए हैं दिल्ली। तो मतलब कभी इतनी सीरियसनेस नहीं थी कि करना क्या है, इतना ज्यादा नहीं था। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हमने बहुत केयरलेसनेस की, लेकिन टुगेदरली हमने जो है क्या किया, हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी बैंक पीओ की। महिंद्रा एक कोचिंग सेंटर है, वहां पे हमने बैंक पीओ की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी 2 3 लड़कों ने। वहां हम जाते थे, जाते भी गए थे, वीक में 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, नहीं गए 1 वीक पूरा। वो क्योंकि हाँ, जैसे हम स्टार्टिंग में वहां गए तो मैथ्स और रीजनिंग ही अपनी समझ में आती थी, जीएस में तो हमारे लिए सब कुछ नया था, इंग्लिश भी आ जाती थी थोड़ी बहुत, जीएस में तो हमें सब कुछ ही नया दिख रहा था। तो मैथ्स और रीजनिंग में जब टीचर क्वेश्चन देते हैं ना, साथ साथ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं, तो वो जब क्वेश्चन लिखते थे तो
हम सबसे पीछे ही बैठते थे, वहीं बैक बेंचर वाली सीट पे अपनी फिक्स थी, अपना फिक्स था, रिजर्व थी वो अपनी। तो वो क्वेश्चन देते थे तो क्वेश्चन को हमें खुद करने में 10-15 सेकंड लगती थी बस। अच्छा, तो हम ये सोचते थे कि यार फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ, समझ रहे हो? मतलब कि जब ये एक क्वेश्चन पे आते हैं घूम के 20 मिनट बाद सारा बताएंगे पढ़ाएंगे, वो भी सही है। वो क्या है कि वो ये सोच के चलता है कोचिंग वाला, एक गाइड ये सोच के चलता है कि किसी को कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं ना, जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो ये सोच के चलो कि सब अंधे हैं। अच्छा, हम ही को बचना है सबसे। हाँ, हमको ही बच। तो वहां कोचिंग में हम क्या करते थे, अब वही कि भाई हमें पता लग गया कि यहाँ इतनी जरूरत नहीं है इस चीज की, जो गाइडेंस हमें लेनी थी वो हमने ले ली है। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। वो आपको एक कोचिंग वाला बताएगा, कोई अच्छा दोस्त बताएगा, कोई पहला सिलेक्टेड बंदा बताएगा, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, हम केयरलेसनेस और ज्यादा करने लगे उसमें, हम फिर बहुत कम जाने लगे। 6 महीने बाद लगभग बैंक पीओ का फॉर्म निकला। तो बैंक पीओ का जब फॉर्म निकला तो हमारी उसमें एज ही नहीं थी, मतलब जिसके लिए प्रिपरेशन करने गए हैं बस हमें उसका पता, हमें उसका ये नहीं पता उसमें एज कितनी चाहिए। बात तो यही है ना कि आप तो प्रिपरेशन करने गए नहीं, था तो मजे लेने गए थे, क्लबिंग करने गए थे ना, तो हाँ नहीं, वो क्लबिंग तो थोड़े टाइम के लिए थी, वो तो करना ही था, लेकिन मतलब मेन बात तो ये था ना कि कुछ ना कुछ तो करके जाना है, मगर एग्जाम तो दे ही देंगे। ध्यान ही नहीं कि एग्जाम में एज है नहीं है। हाँ, कि एज कितनी, वो 22 या 21 कितना मिनिमम रिक्वायर्ड था, तब तक अपनी नहीं हुई थी। तो हमने तो किताब अलमारी में रख दी फिर। अब तो अभी कुछ दिन मतलब कोई करने के लिए, वो एक टाइप ऑफ सेटबैक था हमारे। मतलब हमने सोचा यार हम क्या कर रहे थे यार, हमें ये दुख नहीं हुआ कि हम एग्जाम नहीं दे पाए, हमें ये दुख हुआ हम 6 महीने क्यों गए कोचिंग में। हाँ, सीरियसली एक क्वेश्चन में पूछने वाला था कि जब आप प्रिपरेशन करने गए हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में आपकी एज है, तो आप खुद के ऊपर क्या तरस आया था कि यार मैं कितना केयरलेस हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि एग्जाम में मेरी एज है कि नहीं और मैं प्रिपरेशन करने आया हूँ, या फिर ये फील हुआ कि चलो ठीक है यार अब अभी तो एज ही नहीं हुई तो अब मजा लेने के लिए कुछ और टाइम मिल गया। अब वो तो नहीं था, लेकिन मतलब हमें लग रहा था कि एज इनके हिसाब से तो नहीं हुई ना, घर वालों के हिसाब से तो होगी एज, लड़के ने बीटेक कर ली है अब कुछ करेगा, कोचिंग वालों के हिसाब से नहीं हुई है, फॉर्म वालों के हिसाब से नहीं हुई है। लेकिन केयरलेसनेस का तो आपको आगे पता लगेगा, अभी सुनते जाओ। तो खैर, ये फिर हमने मतलब एग्जाम छोड़ दिया, नहीं दे नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा हमने फिर जब हमें पता लगा। इसके बाद हम फिर एक फॉर्म का पता लगा मैं, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक ACIO की पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर करके एक पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो वो एक 100 नंबर का एग्जाम लेते हैं बस, उसमें हल्की फुल्की रीजनिंग मैथ्स और मेनली पोर्शन GS का रहता है। अच्छा। 70 के आसपास क्वेश्चन GS के रहते हैं। GS के लिए हमें पता लगा कि एक बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है, लूसेंट। अच्छा, तो वो पढ़नी है बस। तो हमें तब तक कोई आइडिया नहीं था लूसेंट का क्या है क्या नहीं, तो हमने फिर लूसेंट देखी दुकान पे जा गए, तो हमने तो देख के ऐसा लगा ये इतनी फेमस क्यों है इतनी सी बुक, ये तो बहुत छोटी है, क्योंकि हमने हिसाब से कंपेयर कर लिया ना। हाँ, क्योंकि हमने वो इंजीनियरिंग में इतनी मोटी मोटी किताब एक रात में पढ़ी थी, हम सोच रहे थे अपने आप को तुर्रम का, तो वही वाला काम हुआ हमारे साथ। उस एग्जाम के लिए शायद मेरे पास 1 महीना के आसपास था, तो मैंने ट्राई किया लूसेंट पढ़ने की। जब पढ़ना शुरू किया तो उसके तो 4 पेज भी पढ़ने भारी हो गए, वो तो इतनी बल्कि है, वो तो बहुत ज्यादा डाटा है उसके अंदर। तो और जो भी है वो प्रिसाइज है, आपको याद रखना है। हाँ, प्रिसाइज है, याद रखना है। मान लिया आपने, जैसे आप कुछ अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हो, आप कुछ भी थर्मल टेम्परेचर वगैरह या कुछ भी चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसपे पहली 2 लाइन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक पूरी कहानी है, फिर लास्ट की 2 लाइन इम्पोर्टेंट है, इसमें लगभग 4 पेज चले जाएंगे बुक के। और इंजीनियर तो होते हैं स्टोरी मेकर। हाँ, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 पहली लाइन याद रखनी है, और बाकी तो एज यू नो 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 करके अपना पेज भर देना है। तो हमारा थॉट वो था। अब लूसेंट में एक पेज पर लिखा है कि इस सेक्शन के अंदर ये होता है, इस आर्टिकल में ये है,
इस अनुच्छेद में ये है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको आर्टिकल रटना है, आपको सब कुछ वही रटना है, पढ़ना है, तो डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है। खैर कैसे भी करके हमने गलत तरीके से लूसेंट पढ़ दी एक बार, रीडिंग लगाते चले गए कि हमें तो कैसे ना कैसे याद रह जाएगी, और मतलब मुझे लगा था कि शायद मुझे याद है। तो उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देने गए, तो एग्जाम देने गए तो मैंने 100 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 75, 75-70 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैं अपने हिसाब से पूरे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया कि ये मेरे क्वेश्चन गलत नहीं है। हालांकि जीएस में हमें ऐसा लगता भी है कि क्वेश्चन गलत नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन थे वो 100% सही थे, उसका मुझे कॉन्फिडेंस था। तो लेकिन जब मैं बाहर आया, बाहर आके डिस्कशन किया कि आपने कितने क्वेश्चन किए, जैसे लड़कों से पूछते हैं, तो सबने कहा कि 100। एक ने एक दूसरे से पूछा आपने कितने किए, भाई 100। तीसरे से पूछा आपने कितने किए, कि 100 ही तो करने थे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ही ना है। तो यहां भी पता चला कि मैं क्या कांड कर दिया भाई। तो यार ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया कि आपको, आप एग्जाम देने जा रहे हो फ्री के और जा रहे आपको, हैं। हाँ आपको यही नहीं पता है कि कैसे करते हैं, आपको यही नहीं पता क्वेश्चन कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। तो ये तो बहुत बड़ी केयरलेसनेस होगी, केयरलेसनेस नंबर 2 ये मेरे साथ। तो इसके बाद टाइम भी बढ़ता जा रहा था, 7-8 महीने हो गए दिल्ली गए हुए। घर वाले भी रोज एक बार तो फोन करके पूछते थे, भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, वो जो प्रेशर है ना भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, तो वो रोज बताना पड़ता था बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पे कांड हो रहा है, वहां पे बताना है पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई के नाम पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है, यही नहीं पता फॉर्म किस चीज का है, एग्जाम कौन सा देना है क्या नहीं, पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। तो खैर उसके बाद हमें एक एग्जाम पता लगा भाई, चाय की दुकान पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, SSC कराता था तब। तो इसमें किसी ने बताया कि इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, वही SSC वाला पैटर्न, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और GS, और आप जो है इसको कर लो। 1 महीने 1.5 महीने बाद शायद एग्जाम आना था, तब फॉर्म निकले हुए थे। तो मैंने फिर ऐसे 2-4 से ऐसे पूछा कि भाई पढ़े क्या, मतलब ऐसा अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ने पे लगेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा, 4 सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा डीप है, किसी में 30 चैप्टर है, किसी में 40 चैप्टर है, किसी में। तो कि फिर किसी ने बताया कि आप एक काम करो, आप सिर्फ सैंपल पेपर लगा लो, खुद को देख लो आप हो कहाँ, 70-80 तक कट ऑफ जाएगी, आप अपना चेक कर लो। तो मैंने सैंपल पेपर लगाने शुरू करे, पहले दिन से ही लकीली 105-110 इतने नंबर आने लगे, तो एक लेवल सौ बढ़ पांच जाते हैं दस फिर पंद्रह थोड़ा। हाँ मतलब वो कॉन्फिडेंस भी बन गया। फिर वो जो कॉलेज की थोड़ी RS अग्रवाल की तैयारी थी वो भी कैरी फॉरवर्ड हुई, तो अब अपने को हो गया कॉन्फिडेंस पूरा, ये एग्जाम तो नहीं छूटेगा, कहाँ 70 नंबर की कट ऑफ और कहाँ 110-115 आ रहे हैं हमारे, तो ये एग्जाम तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन छूटेगा कैसे, कैसे छूटेगा वो बताते हैं। अब एग्जाम से 2 दिन पहले मेरा पर्स खो गया, 2-3 दिन पहले। तो मैं जो IB वाला एग्जाम देने गया था, तो उसमें मैं जो है कि अपना निवास प्रमाण पत्र लेके गया था, निवास प्रमाण पत्र पर एड्रेस भी होता है, फोटो भी होता है। तो मुझे पर्स खोने का कोई दुख हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे तो, मैं तो कंफर्म था कि मेरे पास तो निवास प्रमाण पत्र तो है, वो तो पर्स में नहीं था। तो मैं निवास प्रमाण पत्र लेके जो है एग्जाम देने चला गया, तो एग्जाम में एंट्री नहीं मिली। तो मतलब हमने देने ही कोशिश नहीं की, दिया। उस दिन मैंने लाइफ में ये भी देखा कि ये कितनी सीरियस चीज है एग्जाम, क्योंकि हम लगभग 30-40 लड़कों को लड़कियों को नहीं जाने दिया अंदर। डॉक्यूमेंट की वजह से, अरे प्रूफ तो नहीं। उसमें से आधे बच्चे रो रहे थे, और हमें ये नहीं समझ आ रहा ये रो क्यों रहे हैं। और आप बताते ना कि ये मेरे साथ तीसरा कांड है, पहले में मतलब दो हमें वो प्रेशर नहीं था ना लाइफ में, मतलब कि यार रोना क्यों है, चले। शायद अगर हमारे साथ ये 3 साल बाद हो जाता तो हम भी रो पड़ते। वो बच्चे कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, उनका एज तो नहीं लैप्स होगी, ये लास्ट एग्जाम था या नहीं था, समझ रहे नहीं कितने फैमिली साल में तैयारी क्या करके आए क्या हैं, कंडीशन है, सिनेरियो क्या बहुत है। कुछ मैटर करता है। तो अब जब नहीं जाने दिया एग्जाम में, तो मैंने तो बाहर निकलते ही किया पापा को फोन कि ऐसे ऐसे हो गया। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो गया तो ठीक है। तो पापा ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास आया भाई का फोन कि
कि तू जो भी कर रहा है जहां भी है, एक काम कर, रूम पे जा और बैग उठा और घर चला जा। घर निकल ले भाई, अब हो गया तेरा, हो गया सिलेक्शन। तेरा तो मतलब ये तेरा सारे हो गया काम के टाइम। बारे में घर पे पता था जो शुरू से हो रहा है, हाँ फोन मतलब हाँ, शुरू से जो हो रहा था वो तो मैं बता ही देता था कि करके। जो, हाँ अगर मेरी एज नहीं है तो मैं क्या करूँ उसमें। मैं क्या अच्छा हाँ एटीट्यूड भी था अपने अंदर। हाँ तेरी गलती। मतलब अब वही है ना, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जब ऐसा होता है ना, वो नहीं, इतना आइडिया नहीं होता इन चीजों का, तो फिर लड़का भी ऐसा हो जाते हैं बच्चे फिर, कि नहीं हमें पता है ना, आपको कहाँ पता है, आपको तो कुछ पता नहीं। तो हाँ वो वाला दावा, अगर वो मान लिया हमारे फादर मदर आईएएस पीसीएस होते तो हाँ फिर थोड़ा ना मेरे गोली दे पाते उनको, फिर तो हाँ बताते हमें क्या करना है क्या नहीं। खैर बैग मैं नेक्स्ट डे चला गया घर। लेके सीधा। अब नेक्स्ट, हाँ पापा ने थोड़ा गया तो थोड़ा अरे थोड़ा नहीं मतलब डांटा वगैरह। यहाँ पे बच्चे तो समझाते हैं कि अरे भैया देख इस बार गलती हो गई, मैं करूंगा तो मैं कर लूंगा। मतलब आपके अंदर क्या था भाई साहब की, मतलब बोल दिए तो लो मैं निकल ही लूंगा। क्योंकि वो भाई ने ऐसा बताया था कि मैं समझ गया था सिग्नल अच्छा नहीं है, अच्छा तो बहस करने से कोई फायदा नहीं है, और क्या कर लूंगा मैं। मेन बात तो यह है, जब मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भर रखा, जब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो मैं करूंगा भी क्या। 3-4 महीने तक तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं कहा चलो एक बार घर जाके ही देख आते हैं क्या माहौल है। तो घर गए तो फादर तो डिनायल मोड में थे, वो तो बात नहीं कर रहे थे। खैर मदर से, मम्मी से बात करके सब थोड़ा हुआ, तो पापा ने मुझे बताया कि बीटीसी का फॉर्म निकला है। अब समझा मुझे क्यों बुलाया गया था। अच्छा बीटीसी होती है हमारे यहाँ, जैसे हरियाणा में जेबीटी होती है और जगह भी हाँ होती है, टीचर्स ट्रेनिंग है, प्राइमरी टीचर्स के लिए प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग है। बेसिक तो मैं कहा ये तो टीचर्स। यार, ये तो बहुत बहुत तगड़ा डाउनफॉल आ गया लाइफ में, हाँ मतलब ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी फील होता है बीटेक ना, जैसे ये मेरी का। पर्सनल ओपिनियन भी है कि जब कभी आपको कहा जाता है, मेरे घर वाले भी कहते थे ना कि कभी, अब मेरे मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि हम तो इंजीनियरिंग के हैं, तो कोई कहता था ना ये फॉर्म भर दो तो हम क्यों भरे, हम तो इंजीनियरिंग किए हैं। हाँ तो आपको मतलब वहां से सीधा उठा के कि बेटा अब तुम बीटीसी मतलब प्राइमरी के टीचर बन जाओ, ये तो काफी डिप्रेस वाली कंडीशन रही होगी। और मना भी नहीं कर सकते कि पापा ने इतना कांड देख लिए हैं कि अब क्या मिलेगा प्रसाद पता नहीं। ये जॉब टीचर्स की जॉब मेरे फादर की नजर में ना एप्पल साई है, अच्छा वो उनकी नजर में सबसे बड़ी जॉब है इस दुनिया में, टीचर्स से अच्छा बड़ी कोई जॉब नहीं है उनके हिसाब से। तो वही यही बात थी कि उन्होंने सोचा, अच्छा उन्होंने क्या सोचा कि चलो एडमिशन तो बीटीसी में ले ही लेगा, 2 साल की यहाँ बीटीसी होती रहेगी, अपना तैयारी करता रहेगा साथ साथ यहाँ घर रह गई। खैर मैंने बीटीसी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि पापा को पता था इसकी परसेंटेज अच्छी है, परसेंटेज बेस कट ऑफ लगती है उसकी। तो 2-3 महीने अब मैं रहा घर बिल्कुल अच्छे से, मजे में, बिल्कुल रिलैक्स, घर पे भी इज्जत मिल रही है कि लड़के का बीटीसी में एडमिशन हो गया घर वालों की इच्छा से। तो अब 2-3 महीने बाद थी काउंसलिंग बीटीसी की। अच्छा अब बीटीसी की काउंसलिंग में, उसमें क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं बीटीसी का, जो है 10th के मार्क्स, 12th के अच्छा मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स, परसेंटेज नहीं भरनी थी। तो मुझे 10th के मार्क्स पता थे, 12th के मार्क्स पता थे, ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं पता थे, मुझे परसेंटेज पता थी। तो ये अच्छा कंफ्यूजन था मुझे कि 3,000 में से थे नंबर, 4,000 में से थे, जो भी है, अच्छा तो वो गलती होगी, 2 नंबर मेरे से कम भरे गए। यहाँ पे भी कांड हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा कांड हो गया। वो जरूरी था। तो खैर वो 3 महीने बाद में काउंसलिंग में रिजेक्ट हो गया। अब तो प्रसाद खाने की बारी आ गई। अब हो गया बहुत, मतलब अब लगा मुझे, मतलब यहां मुझे लगा कि अच्छा ये तेरे लिए कुछ, मतलब सही सिग्नल नहीं है तेरे लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चाहे वो तेरी केयरलेस हो केयर, गया हूँ। हाँ वो केयरलेसनेस कह सकते हो, केयरलेसनेस ही है। तो खैर मैं घर गया भाई, फादर तो नॉट इन अ टॉकिंग मोड वाली बात आ गई, और तो बहुत मुश्किल था वो, मतलब बताना कि क्या। हाँ क्या बताएं। अब मैं ये तो कह दूं, बताओ मेरे मार्क्स तो खराब नहीं आए ना। अब दिखा दूँ अपना कि मेरी क्या गलती है, मार्क्स हाँ अच्छे थे। मेरे मार्क्स तो मेरे अच्छे थे, और मैंने ज्यादा थोड़े ना लिखे हैं, कम लिखे हैं, 2 नंबर ले लेना चाहिए था इन्हें। तो खैर 2-4 दिन बाद वही घर पे फिर प्रॉपर बात हुई, भाई अब क्या करना है। मतलब अब हो गया था मुझे लगभग 1.5 साल के आसपास, बीटेक किया। 1.5 साल
आपके पास एक एग्जाम का प्री भी क्लियर नहीं है। अब अच्छा आप देखिए, मतलब 1.5 साल आपको हो गए और आपके पास कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है आपके हाथ और में। साथ साथ आपने एक अपनी एक इमेज भी बना ली है परिवार में कि ये लड़का क्या हाँ, कर रहा कि है। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो इमेज तो बन गई वो अलग। अच्छा तो फिर खैर, तब तक हमें जब मुखर्जी नगर रह के दिल्ली रह गए, एसएससी सीजीएल का पता लग गया था कि भाई छोटे एग्जाम्स में ये एग्जाम सबसे मेन है, ये छोटे एग्जाम का बिग गन है, ये एग्जाम टारगेट बनाया। और अच्छा, फिर उस एग्जाम का एसएससी सीजीएल का पैटर्न सेम एफसीआई वाला था, जो एग्जाम में नहीं दे पाया था एडमिट कार्ड की वजह से, मतलब आईडी की वजह से नहीं दे आईडी पाया आईडी था। प्रूफ की वजह से। हाँ तो उसमें कॉन्फिडेंस वैसे भी बहुत हो गया था, 1 महीने सैंपल पेपर लगा लिए थे। तो अब घर वालों से बात करके, घर पे बात करके, अब मैंने कहा कि 3 महीने बाद है अब एग्जाम, 2.5-3 महीने बचे थे प्री एसएससी सीजीएल 2013 का, अब मुझे आप जाने दो एक बार, बस ये 3 महीने के बाद फिर आप जैसे कहोगे ऐसे करें। घर वालों के पास तो खैर कभी कोई ऑप्शन होता ही नहीं, वो तो अल्टीमेटली उन्हें तो करना तो यही था, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब के तो फेवर में कभी थे ही नहीं। हाँ तो ये अब ये यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, आपने तो इतने वो किए फिर भी पेरेंट्स चलो गुस्सा है मगर भेज रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे इधर ना अपने इधर तो खेती में लगा देते हैं, बेटा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, वो जब उन्होंने बुलाया था ना मुझे कि बैग उठा के आ जा, तो तब तो मैंने यही सोचा था कि यार ऐसा ना हो कल को मेरे हाथ में फावला दे दे, ट्रैक्टर दे दे, कि चल अब अपना लग जा काम पे। एक एक लड़के की जरूरत हमें वैसे भी घर थी तो वो वाला डर तो था मेरे दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो घर वालों को मेरे से वो भी तो उम्मीद थी कि यार इसने किया तो हमेशा अच्छा है अच्छा है भले इसका रिव्यू हाँ अच्छा था। हाँ इसकी स्कूल से इतनी शिकायत आती थी, कॉलेज से भी फिर मेरी बहुत शिकायत जाती थी, वार्डन का भी मैं फेवरेट था अपने। तो अच्छा शिकायत। हाँ, तो फिर वहां से भी बहुत शिकायत जाती थी। तो खैर कुल मिला के घर वालों को ये पता था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा अच्छा जरूर, बस केयरलेसनेस की दिक्कत है कि भाई फॉर्म सही से भर दे, सब काम सही से कर दे तो कर लेगा। एग्जाम खैर निकाल फिर मैं लिया। चला गया, फिर मैंने की सीरियस पढ़ाई 3 महीने, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो ही पढ़ने थे मुझे, मैथ्स और इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़े, फिर हमने सैंपल पेपर लगाए मैंने। तो खैर कुल मिला के वही जो अपना टारगेट था 110 से 15 के बीच में, 85 कट ऑफ गई और मेरे मार्क्स आए 112, 112 मार्क्स आए मेरे प्री प्रीटी गुड। में। घर वालों को बता दिया, घर वाले खुश, मतलब आंसर की से ही बताया था, तब तक तो रिजल्ट तो आया था। तो मतलब फादर ने ऐसे पूछा कि भाई लास्ट टाइम कितनी थी कट ऑफ, कितना हो जाएगा, चांस कितने, मतलब पूरे चांस है, नंबर मार्जिन बहुत है। तो फिर घर वाले खुश कि ठीक है। उसके बाद मेंस हुआ 3 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद, उसमें मेंस अच्छा हुआ, आंसर की आ गई, आंसर की में हमने लगाए 150, 145, 150 दोनों पेपर में इतने मेरे बैठ रहे, मतलब तो कुल मिलाकर मेरे जो है 412-13 के आसपास मार्क्स बैठ गए। बैठ गए। तो 412-13 मार्क्स बैठने के बाद मैंने घर फोन कर दिया कि अब मैं बन गया इंस्पेक्टर। मैं इतना इतना श्योर था तब, हाँ इतना श्योर था, क्योंकि 2000 हमसे पहले था 2012 का एग्जाम, 2012 की कट ऑफ थी बहुत नीचे, हमें ये नहीं पता था कि वो कट ऑफ एग्जाम के लेवल की वजह से थी नीचे, मतलब हमें तब इतना आइडिया नहीं होता था कि क्यों कट ऑफ वैकेंसी नीचे थी, वैकेंसी कितनी थी ये क्या। ज्यादा थी, बच्चे कम अपीयर होते थे उस टाइम तक। हाँ हम, और एग्जाम भी थोड़ा 12 का हार्ड था, तो उस चीज का। लेकिन अब हम तो ये सोच के चल रहे ना, जब हमारे 2012 से 120 नंबर ऊपर है, हाँ एक तो सौ तीस नंबर ऊपर है, तो डेफिनेटली वो। कोई रोक नहीं पाएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस था। तो अब क्या हुआ, अब सच में किस्मत खेल ली, अब तक तो केयरलेसनेस खेल ली थी, अब हाँ आया किस्मत का टाइम। ये अच्छा केस, ये एसएससी सीजीएल 2013 लिटिगेशन में फंस गया, अच्छा इस पे कोर्ट केस हो गया, कहीं चीटिंग, जैसे सेंटर पे चीटिंग हो जाती है ना पूरे के पूरे, दो चार सेंटर पे। तो लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने मेंस भी करवा लिया, मतलब एसएससी ने, और प्री तो हो ही चुका था, तो ये लगा सबको ये प्री था वाला कि फंसा था या मेंस वाला फंसा था? प्री वाला फंसा था, लेकिन पहले बच्चे उस पर स्टे ले आए, मतलब बच्चे से पहले उस पर स्टे आ गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने, उसके बाद वो स्टे रिवोक हो गया, गवर्नमेंट अच्छा ने रिवोक, मतलब एसएससी ने रिवोक करा लिया, मेंस भी करा लिया। तो जब मेंस करा लिया तो सबको ये लगा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, जब प्री भी हो गया मेंस भी हो गया, क्या होगा, उन बच्चों का दोबारा हो जाएगा एग्जाम।
या उन बच्चों को डिबार कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, लिख के लिए पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। मतलब पहले लोग पूरा का पूरा कांड कर रहे थे हम अपने साथ, अब दूसरे ने कांड, दूसरा कांड हो गया। अब किस्मत कांड कर रही है। प्री भी कैंसिल हो गया, मेंस भी कैंसिल हो गया। और अब हो गए अपने को दिल्ली में 2 साल। अब सीरियस, अब वो भी प्रॉब्लम आने लगा कि अब एग्जाम नहीं होगा तो हम भी रोएंगे। अब वो सिचुएशन आ गई बिल्कुल। अब रोने वाला टाइम अपना आ गया। हमारी जब हम स्टार्टिंग में गए थे ना, मैं आपको बताया, जब क्लबिंग का टाइम था तो हमारी एक मेड हुआ करती थी हमारी एक, तो वो जब भी आती थी मेड, तो आती थी 11 बज रहे हैं दिन के और सब पड़े सो रहे हैं, कोई कहीं एक चार दो कमरे हैं, दो कमरे में 15 आदमी पड़े हैं, और मतलब ऐसी यही ज्यादातर यही माहौल रहता था स्टार्टिंग के टाइम। तो उस मेड ने हमें ये बात कही थी कि भैया जो मुखर्जी नगर आ गया उसको पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, वो भी एक्सपीरियंस होल्डर थी लग रहा है। अब तुम्हें बताया, वहां तो अखबार बेचने वाले को भी थोड़ा बहुत सिलेबस पता होता है। तो मतलब उसका वो बात हमेशा मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में रही है बात, कि जो मुखर्जी नगर आया उसे एक ना एक दिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भाग अब आ गया था अपना वो टाइम कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा अब, क्योंकि एक तो मतलब हाईकोर्ट का डिसीजन भी इस पर लेट आया, तो इस बीच में फिर घर चला गया। अब मस्ती के लिए घर चला गया कि भाई अब हो गया अपनी जॉब सिक्योर, अब अपनी जॉब सिक्योर होगी। फिर 4-5 महीने घर रहा, तो उस दौरान मदर का एक ऑपरेशन होना था, तो उसमें सब लगी रही पूरी फैमिली, तो खैर आराम से रिलैक्स थे तब मजे में। अब आया डिसीजन, अब घर वालों ने कहा भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अब हम तेरे साथ हैं। अब तो दोबारा जा। फिर 1.5 महीने, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी कराया, जल्दी प्री कराया, जल्दी मेंस कराया, फिर 1.5 महीने का टाइम दिया। लेकिन 1.5 महीने का जब वो टाइम मिला, फिर मैं वापस दिल्ली आया, अब मुखर्जी नगर की तस्वीर बदल गई थी। अच्छा, क्योंकि वहां एंट्री हो गई थी लाइब्रेरी की। अच्छा, पहले इतनी लाइब्रेरी नहीं हुआ करती, एक दो कॉमन लाइब्रेरीज थी। अब लाइब्रेरी की एंट्री हो गई थी, तो हमें ये पता लग गया था पढ़ना कैसे है। अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एक फोकस्ड स्टडी में, और मैं म्यूजिक में भी पढ़ लेता था। अच्छा, दोस्त यहाँ बराबर बैठे बात कर रहे हैं, मैं तब भी पढ़ लेता था। तो सब ये कहते थे मतलब ये कि ये एक बहुत बढ़िया चीज है। मैं मुझे भी लगता था कि यार मतलब कितना मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं मैथ के क्वेश्चन लगा रहा है, बैठे बात कर रहे, बीच बीच में उनके साथ बात भी कर लेता। लेकिन वैसे पढ़ना और एक लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ना 2-4 घंटे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। खैर वो 1.5 महीना लाइब्रेरी खुल गई, तो उसका बहुत फायदा मिला मुझे। फिर बहुत पढ़ाई की, तो फिर वो मेड वाली बात दिमाग में आ गई बस, कि ये पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये वो रोने वाला टाइम है कि यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर प्री दिया, इस बार प्री में मार्क्स आए 115। अच्छा, फिर मेंस के लिए भी कम टाइम मिला था, इस बार 2 महीने मिले थे शायद, लेकिन अब तक तैयारी बढ़िया हो गई थी। तो मैथ्स में 185 मार्क्स आए और इंग्लिश में 135 मार्क्स आए। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में थोड़े कम रहे मार्क्स, इंटरव्यू में 50 मार्क्स आए, तो फिर जो भी हुआ सब मिल गया। इंटरव्यू में तो अपने कम ही आने थे, क्योंकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम ही यही रही है कि बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, ये नहीं पता। मगर यहाँ पे मैं आपसे एक स्टोरी पूछना चाहूंगा। पहले तो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे, आप कह रहे हो इंटरव्यू में आपके कम आएंगे, मैंने कुछ आपके बारे में सुना है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते थे, अभी बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं। और यहीं पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपके बारे में मैंने सुना था कि आप SSB में गए थे, तो वहाँ पे आपको जो GTA है, जो ग्राउंड ऑफिसर, उसने कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का कोई नहीं मिला जो ये सारे टास्क कंप्लीट किया इतने अच्छे तरीके से, कुछ भी ऐसी स्टोरी थी। मेरे किसी दोस्त ने बताया था, वो भी गया था SSB में शायद, तो मतलब आपके बैच का था या कैसा था, बट ऐसा कुछ था। मतलब ये ऐसी एक रिलेटेड स्टोरी है, मतलब ये एग्जैक्ट सेम वर्डिंग तो नहीं थी, पर ऐसी एक रिलेटेड स्टोरी है मेरी SSB की। अब जब मैं कॉलेज टाइम पे था, तो अपना जो है अपना टारगेट था आर्म्ड फोर्स, लेफ्टिनेंट बनना है, फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, ये टारगेट था अपना। तो इसके लिए मैंने एक कोचिंग थी कर्नल डागर की गुड़गांव में, वो कोचिंग की, सिर्फ 14 दिन की एक कोचिंग होती है ऐसी, गाइडिंग, वो एक गाइडिंग कोर्स करते हैं जो लोग, हाँ वो छोटी सी कोचिंग है वो।
14 दिन की वो क्लास करके मैं एफकेट के थ्रू गया था मैं देहरादून क्लेमेंटाउन में देहरादून एसएसबी देने। तो पहला दिन तो इजीली निकाल लिया, पहला दिन तो मतलब बहुत आसान था। तो फिर 5 दिन रहते हैं, फिर 5 दिन के बाद बाहर निकलते हैं। तो मैं उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। एक चीज मैं और आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, जो स्क्रीन इन वाला प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, जो स्टोरी नरेट करना होता है हॉल में बैठ के। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम नरेट करना पहले स्टार्ट किए या तुम डोमिनेट किए, बहुत बार होता है कि तुमने इनिशिएट किया, तो क्या ऐसा कोई आपने क्या किया था, बीच में स्टार्ट किया था, नरेट किया था, स्टोरी को कंक्लूड किया था, या स्क्रीन रीडिंग का प्रोसेस क्या है? वो आपके ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी स्टोरी कैसी है, ये पहली बात आप जान लो। आपकी आज स्क्रीनिंग है, आपने एक पिक्चर दिखाते हैं, ब्लर पिक्चर, बिल्कुल टोटली ब्लर पिक्चर, आप यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि क्या है क्या नहीं है, उतने तरीके का देखेंगे डेफिनेटली। हाँ, तो वो आपको एक स्टोरी लिखनी है, 4 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या स्टोरी लिखी क्या नहीं लिखी। अब अंदर एक फिर ग्रुप को पूरे को अंदर बुला लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, एक एक मिनट के लिए सबको खड़े करते हैं पहले नंबर वाइज, 1 मिनट सबको मिलती है अपनी स्टोरी बोलने के लिए। इसमें अगर आप थोड़ा बाद में बैठे हो तो थोड़ा लक्की रह जाते हो। अच्छा। क्योंकि आप अपनी स्टोरी बदल सकते हो, क्योंकि वो कागज वाली स्टोरी मैटर नहीं करती, ना उसे ज्यादा पढ़ते। अच्छा। आप स्टोरी जितनी अच्छी स्टोरी किसी ने बोल ली है, अगर आपको लग रहा है आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हो ये लाइन या कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, 1 ही मिनट है आपके पास, आपको एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खड़े होकर क्या बोल रहे हो 1 मिनट, उस दौरान कोई नहीं बोलेगा। लास्ट 10 बच्चे हैं ग्रुप में, 10th बच्चे का जो स्टोरी है वो खत्म होते ही ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। और ग्रुप डिस्कशन इतना बुरा होता है कि आदमी वहां बन जाते हैं फिश मार्केट। दो तीन बार मैंने हम अपने ग्रुप से हम अपने ग्रुप से 10 में से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। एक लड़का और एक मैं। तो दूसरा जो लड़का सेलेक्ट हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़का ग्रुप डिस्कशन में एक शब्द भी नहीं बोला, बैठा रहा चुपचाप, बिल्कुल चुप, एक वर्ड भी नहीं बोला। उसकी एक तो पहले वाली स्टोरी मतलब अच्छी थी बहुत। अच्छा। जो उसने 1 मिनट में खड़े होकर बोली थी। अच्छा। और हमारे में 1-2 इतने स्टूपिड आगे थे कि वो खड़े हो गए ग्रुप डिस्कशन में कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, बैठ, मतलब मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। हमारे हाँ, वो मतलब पगड़ी बांध के खड़ा हो गया था, वो किसी का सुन ही नहीं रहा था। तो उस दौरान वो ये चेक करते हैं कि किस में पेशेंस है, कौन ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है। वो क्या चेक कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि तुमको एक टास्क दे दी जाए कि 10 आदमियों को मिलकर डिसाइड करना है कि ये काम कैसे करना है। तो जब तुम 10 आपस में बात ही नहीं कर सकते, एक स्टोरी पे कंक्लूड नहीं कर सकते, तो तुम वो काम नहीं कर। टीम वर्क चेक कर रहे हैं बेसिकली, वर्क लीडरशिप जो भी है। हाँ हाँ, तो खैर ये सब चीजें तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं थी, मतलब मेरे हिसाब से ये तो आसान था। लेकिन उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, फिर साइक टेस्ट होता है, उसके बाद GTO होता है, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है। तो GTO में मेरे साथ क्या हुआ, मतलब GTO वाली जो बात है आप बता रहे हो, GTO में वो डंडे फट्टे वाली टास्क होती है, आपको क्रॉस करनी होती है कुछ हर्डल्स, आपके पास कुछ हेल्प होती है, उनका यूज करके आपको वो हर्डल्स क्रॉस करनी है। तो सबसे पहले एक फुल ग्रुप टास्क होती है, 10 के 10 बंदे उसमें रहेंगे, सब आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को एडवाइस देंगे टीम के। तो GTO जैसे अपना आपस में दो आदमी है, तो वो आपस में कुछ काम करते रहते थे, बात करते रहते थे। उनका मतलब एक कहावत थी वहां की, GTO हैज आईज ऑन हिज बैक, कि वो उस तरफ भी अगर देख रहे हैं ना तो वो देख रहे हैं तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो GTO ने 2 बार वो चेस्ट नंबर पूछा था मेरे टाइम, मतलब मैंने कुछ जैसे सजेशन दिया कि तो कि वी शुड नॉट डू दिस, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए या ये इसको अलग तरीके से कर सकते हैं। तो GTO ने पूछा जैसे चेस्ट नंबर, तो मैंने बोला चेस्ट नंबर टू था मेरा। फिर उसके बाद कुछ और टास्क थी, GTO ने फिर बोला कि चेस्ट नंबर, नोटेड हो गया, मुझे दिख गया नोटेड। इसके बाद हमें सब कुछ समझाया गया था कोचिंग में, वो कर्नल डागर का बहुत अच्छा गाइडेंस थी कि अब बस ज्यादा नहीं करना है, अब आप हो गए नोट। अच्छा। अब उनका आप पे ध्यान आ गया है। अच्छा। अब आपको आगे बहुत मौका मिलेगा GTO में राउंड टास्क में। तो फुल ग्रुप टास्क हमारा खत्म हो गया, हम ज्यादा कुछ पार नहीं कर पाए, 1-2 ही पार कर पाए सारे मिलकर। उसके बाद आई हाफ ग्रुप टास्क 5 बंदों की, फिर वो भी खत्म हो गया। इसके बाद होती है इंडिविजुअल टास्क। इंडिविजुअल टास्क में क्या होता है कि एक बंदा है एडवाइस देने वाला, 2 बंदे उसके हेल्पर हैं जो फट्टा डंडा उठाएंगे, इधर उधर क्रॉस कराएंगे, वो काम
तो इसमें क्या हुआ कि कर्नल डागर ने हमें ये कह के भेजा था कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे ग्रुप में 9 बच्चे होंगे, 9 बंदे होंगे, 9 एस्पिरेंट। तो उन 9 कैंडिडेट में से अगर आपको 4 या 5 बुला लेते हैं एज अ हेल्पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा जीटीओ के लिए आपका, कि भाई इस पे सबको बिलीफ है, क्योंकि वो फुल ग्रुप हो चुका, उससे पहले आप ग्रुप हो चुका, तो ये जो है इस लड़के ने कुछ वहां बोला है, इस लड़के में कुछ है कि इसको बार बार सब बुला रहे हैं। हेल्प के लिए बुलाया। तो एज अ हेल्पर मुझे 9 के 9 कैंडिडेट ने बुलाया, अच्छा, ये तो तो बहुत आई वो हाँ, यहाँ तो वहां से तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो सिलेक्शन हो ही गया। पक्का हो गया, क्योंकि वहां वहां का पॉजिटिव रिव्यू था इसका। 5 का बोला था, का यहाँ पे तो नौ पॉजिटिव के नौ बुला लिए। 9 के 9 उन्हें बुला लिया। तो इस बारे में जीटीओ ने मुझसे बात की थोड़ी देर कि भाई आपको क्या लगता है, आप में क्या टैलेंट है, साहब आपको क्यों बुला रहे हैं सब। ये भी कह रहे कि आपने कुछ इनकी पार्टी वगैरह की रात को घर हाँ, पे जहां आप रुके हुए हैं डोमेट्री में, तो कि ये भी पूछ रहे कि जहां आप डोमेट्री में रुके हुए आपने इनकी पार्टी वगैरह की थी क्या, तो मतलब ऐसी। तो फिर मैंने बताया कि सर मैं लाइट वेट हूँ थोड़ा, शायद इसलिए कि मैं थोड़े नॉन फिजिबल जो स्ट्रक्चर होगा उस पर भी चल सकता हूँ, वो कुछ भी ऐसा ही बोलना होता है, मान लिया आप ऐसा अपने बारे में ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो हाँ, तारीफ हो गया तब तो। हाँ, तब जीटीओ ने बहुत तारीफ की थी कि नहीं ये बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी एक बंदे को 9 के 9 इंडिविजुअल टास्क में बुला लें एज अ हेल्पर। तो खैर वो सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो गलती कर दी थी मैंने बहुत बड़ी। वो फिर उसने जीटीओ ने उसके बाद फिर एक और टास्क पार करनी होती है भाग के, उसमें कई सारे अलग अलग टास्क होते हैं, डंडे जैसे फट्टे के ऊपर वो कूदना, टायर के बीच से निकलना, रस्सी चढ़ना ऊपर, जंप करना ऐसे। तो तब वो भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसमें भी एक टेक्निक थी, उसमें भी एक चीट कोड था। तो जैसे मान लिया आपको हार्डेस्ट जो होगी, सबसे मुश्किल जो है, सबसे पहले उस पे जाना है क्योंकि तब आपके अंदर एनर्जी है, पावर है, और वो सबसे हार्ड वाली थी 9th नंबर पे और टोटल थी 10। तो सबसे इजी 1 2 3 वो बढ़ती चली जाएगी ऐसा था। तो सब 1 से ही शुरू किया, सब ने 1 से शुरू किया, ऐसा कोई रूल तो था नहीं कि आपको 1 से शुरू करना, उन्होंने बताया था। तो मैंने 9 से शुरू किया भाग के, तो वो समझ गए, फिर उन्होंने कहा कि तो आपने पहले से पता है। हाँ कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। अच्छा, तो बस वो मैंने वहां डायरेक्टली। झूठ हाँ डायरेक्ट बिल्कुल मैंने वहां झूठ बोल दिया कि मैंने कोचिंग नहीं ली है, मुझे ऐसा कहा गया था कोचिंग में कि आपको वहां बताना नहीं है, हालांकि बता के शायद चल जाता काम, लेकिन खैर वो मैंने फिर बोल दिया। फिर एक बार इंटरव्यू में पूछा आपने कोचिंग कहाँ से ली तो वहां भी फिर झूठ बोल दिया और फिर नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर उसके बाद मैं कभी गया नहीं फिर एसएसबी देने। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, जो हमारा वो क्वेश्चन था कि कितने आवर की स्टडी होती थी जब आप मेंस का कम टाइम मिला था और लाइब्रेरी में पढ़ हाँ रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। थे। एक आवर स्टडी ना नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। आप कुछ घंटे पढ़ोगे, मैं कुछ घंटे पढ़ूंगा, कोई और कितने हाँ, घंटे सबकी अपनी पढ़ेगा। अपनी कैपेबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन, आपका सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपको अपनी हकीकत नहीं पता है ना, आपको अपनी रियलिटी नहीं पता है, तो आप मतलब सही नहीं कर रहे हो कुछ। आप या तो नहीं कर पाओगे, या आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे वो भी गलत है, आप अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे वो भी गलत है। वो भी गलत है, और तो अब आपसे अच्छा आपके मुझे बारे में तो हाँ कोई जानता भी नहीं है, अगर सच कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। तो मुझे मेरा अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट था कि अगर मैं 6 7 घंटे, मेरा टारगेट घंटों का नहीं होता था, मेरा टारगेट होता था 1 चैप्टर मैथ का, 1 चैप्टर इंग्लिश का, 1 पेपर, अच्छा, ये 3 खत्म करने हैं। ये 3 खत्म करने हैं। पेपर लगाने में नॉर्मली 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगते थे। देखो पेपर लगाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये जो जो कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए है। जैसे आपने 2 घंटे कोई भी पेपर लगाया, तो पेपर लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अब इस 2 घंटे में आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए उनको लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथ्स एक ऐसी चीज है, मैथ्स हमारे दिमाग में क्लास 6 से फिट है,
6 से क्लास 7 8 से हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते आ रहे हैं, आज तक पूरी जिंदगी होगी प्रॉफिट लॉस पढ़ते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने कहीं से किया ना और एक क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी, जैसे आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया गलती कर दी, उस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन के ऊपर ही नोट कर लो आंसर को जो आपने किया जो गलती, और इस गलती को आप सुधारो मत, मतलब इस गलती का आप करेक्शन मत चेक करो ये कैसे सही होगा ये नहीं करो। अब इस क्वेश्चन को आप 3 साल बाद करो, आप सेम वही गलती करोगे। अच्छा, एग्जैक्ट बिल्कुल एक एक वर्ड की गलती आप वही करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फॉर्मेट फिट है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स की कोई ऐसे डेली लाइफ लर्निंग नहीं है, जैसे हम इंग्लिश है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता कि सी के साथ हैज लगेगा, मतलब वी के साथ हैव लगेगा, तो ये हो सकता है विद इन द टाइम, विद द टाइम मैं सीख जाऊं, न्यूज़पेपर से सीख जाऊं, आपस में बात करने सीख जाऊं, हो सकता है। मैथ्स की कोई ऐसी यूटिलिटी नहीं है कि आपका एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और आप 10 साल बाद उसे कर रहे हो तो बीच में कहीं सीख जाओगे आप उसे बिना करे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वही 10 साल बाद भी पता रहेगी तो आप वही चीज रिपीट का 100%, जब तक आप उसका करेक्शन याद नहीं करोगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर लगाने में ये है कि 2 घंटे तो वो इम्पोर्टेंट है ही, वो असेसमेंट के हैं, वो ये है कि आप कितने पानी में हो, आपके 100 नंबर आए, आपके 110 आए, 120 आए या 50 आए, लेकिन जो आपके नंबर कटे हैं अगर आप उन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे जो आपसे नहीं हुए, तो इसलिए मैं 3 घंटे लगाता था हमेशा, 1 घंटा मैं हमेशा उस पर लगाता था जो मुझसे नहीं हो रहे, और फिर मैथ्स और इंग्लिश। मतलब आपका आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आप जिंदगी में सब कुछ छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, त्योहार छोड़ दो, घर जाना छोड़ दो, सब कुछ, आप कुछ मत छोड़ो, आप बस टारगेट मत छोड़ना अपना। आपको पता है आपको आज, आपको पता है आपको आज शाम को घर जाना है, या आज शाम को आपका एक दोस्त आएगा उसका फोन आ गया, तो आज आप सुबह लाइब्रेरी में चले जाओ, वो टारगेट पूरा करके उस अच्छे से उससे बात करो, अच्छे से उसके साथ मजे करो, लेकिन वो टारगेट पूरा करो कैसे भी करके, उसको नहीं छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके देख लो आपको कितने घंटे पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा सीली सा है, बट होता है, ऐसा चीज भी होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि परिवार में, रिलेशन में कंपेरिजन भी होता है हमारा, कि बुआ का लड़का फला जगह चला गया, वो चला गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियां करते हैं और आपने तो गजब के कांड किए हैं, सब सीली सीली की कहीं कुछ गलती कर दी कुछ तो टॉन्ट भी करते हैं लोग कि बेटा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ कि कोई टॉन्ट करता हो और फिर बाद में जब सिलेक्शन हो गया तो उसका बिहेवियर या उसका जो अप्रोच है, पहले कैसे देखता था, आप कैसे मिलता है, ये सारी चीजें भी होती हैं, जनरल एक्सपीरियंस होता है ये, ऐसा कुछ हुआ? मतलब जब मैं पढ़ता था तो, मतलब पढ़ने में मैं बता दिया कि कभी भी स्टूडियस तो नहीं था, बुक वॉर्म नहीं था, क्लासरूम बॉय नहीं था, तो ये बात सबको पता थी, सबको ही पता थी, मतलब घर में भी सबको पता थी, रिलेटिव्स को भी पता थी, सबको पता थी। पर जो आपके जब मार्क्स आते हैं ना, 10th होती है, 12th होती है, तो सबको धीरे धीरे ये भी पता लग गया कि कुछ है तो बात, कुछ अच्छा, मतलब ऐसा कम, कुछ ऐसा कि कमजोर कमजोर बच्चा तो ये नहीं है। लेकिन फिर कॉलेज तक जाते जाते इतने कांड पता लग गए धीरे धीरे कि, मतलब मेरे गांव में तो एक बार को ये हो गया था, ऐसी इमेज हो गई थी, क्योंकि 3 साल हो गए थे बीटेक करे हुए भी, एग्जाम क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैंने आपको बता ही दिया कैसे 3 साल हुए। तो ये हो गया था एक बार को कि भाई अपने बच्चे से कुछ भी कराओ, बीटेक मत कराना, कि बीटेक का एक एग्जाम्पल हमारे पास है ये मतलब। और फिर कभी ऐसा, कभी किसी ने पढ़ते हुए देखा, कभी गांव में मैं घर जाता था, कभी नहीं पढ़ाई की लाइफ में, फिर ऐसा मतलब रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने घर में कभी पढ़ता नहीं देखा, तो किसी को पता नहीं था मतलब का टाइप कैसा है क्या नहीं, तो सब ये कह रहे कि भाई ये तो गया, ये तो हाथ से निकाल दिया। फिर मेरी फैमिली में एक सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा रहा कि मुझे लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अब मैं पढ़ता हूँ तो मतलब मेरे वैसे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा टाइम के हिसाब से हमेशा ज्यादा रही, शायद जितनी ना होनी चाहिए उससे ज्यादा रही है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ, फाइनेंशियली ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई, तो उसमें क्या हुआ, बहुतों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बनाया कि ये तो इसके मम्मी पापा ने खुद बिगाड़ा है, नाजायज फायदा उठाता है ये। हाँ, नाजायज, और उन्होंने बिगाड़ा भी खुद है,
समझ रहे नहीं, तो ये वाली बात आ गई। डेफिनेटली कहते हैं लोग कि ज्यादा पैसा तो घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, उसको पढ़ाई करना है। बस 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 वो सब वही वही वाली बात। अच्छा उसके बाद की बात बताता हूँ, जॉब लगने के बाद क्या होता है, ये है एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, वही उगते सूरज को सबका सलाम, वो वाली बात है। तो मतलब फिर तो सब फिर तो यही कहेंगे कि नहीं यार पढ़ाई में तो अच्छा था ही, खैर ये तो ये तो बात है, ये पढ़ता कम था लेकिन पढ़ाई में तो अच्छा था ही। मैंने भी कहा था उसके बाद मैंने भी कहा था ये तो कुछ ना कुछ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, धीरे धीरे हम एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। आपके तरफ से कोई सजेशन हो एस्पिरेंट्स को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दिल्ली जैसे शहर में जाके, बहुत सारे बच्चे क्या होता है पहली बार देखते हैं ना वो साइनिंग चमक, साइनिंग इंडिया का जो पहला व्यू है ना उनको वही मिलता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग संगत होती है तो कुछ और ही करने लगते हैं, तो आपके तरफ से क्या एडवाइस होगी? मतलब एक तो मैंने आपको वो तो स्टार्टिंग में बता दिया, आपको क्या नहीं पढ़ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको क्या पढ़ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं आपको चार चीजें बताऊंगा, ये चार चीजें आपको अवॉइड करनी है, मतलब 100% अवॉइड करनी है। पहला फोन, मोबाइल फोन, अच्छा आज जितना छोटा हो सके बच्चों के लिए, तो वो तो जितना छोटा बिना फोन के तो जाएंगे नहीं, जितना छोटा फोन हो सकता है ना आप उतना छोटा फोन रखिए। अच्छा घर पे बात करने के लिए कीपैड वाला। दूसरा इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, जब तक आपकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है तो आपकी से भी नहीं है वहां। हाँ, कोई पढ़ता भी नहीं है आपके कमेंट, कोई सुनता भी नहीं है, चाहे आप सही कह रहे हो चाहे आप समाज सुधारने के लिए बात कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, वो कर देंगे लोग, पहले खुद सुधर फिर समाज सुधारना, पहले खुद वही वाली बात है। तीसरी चीज है, थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है, तीसरी चीज है लड़की, मतलब गर्लफ्रेंड या लड़की। हाँ एक ही बात है, मतलब गर्लफ्रेंड। और चौथी चीज है ड्रिंक्स, दारू। देखो ये चारों ही चीज कुछ गलत नहीं है, मतलब नॉर्मल आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे, नॉर्मल चीज में देखो, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, ये चारों चीजें गलत नहीं है, लेकिन ये वहां फॉर द टाइम बीइंग के लिए गलत है, वहां नहीं करना किसी भी हालत में। मतलब फोन आपका टाइम लेगा, सोशल मीडिया आपका टाइम लेगा, आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा, आपको डिमोरलाइज करेगा। जब आप वहां देखेंगे रोज ये बन गया, ये बन गया, ये यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, और मैं यहाँ मुखर्जी नगर में 8x8 के कमरे में हम दो आदमी पड़े हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे नहीं, वो आपको डिमोरलाइज करेगा। लड़की आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगी, दिमाग की दही और करेगी। मतलब लड़की क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बता रहे दिमाग की दही वाला। नहीं ऐसे बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड होना गलत है, गर्लफ्रेंड होना गलत है ये नहीं है। गर्लफ्रेंड मतलब आपकी गर्लफ्रेंड अगर पहली बात वो अगर लॉयल है सही है तो वो ही खुद कहेगी कि भाई ये आ गया तेरा टाइम कुछ करने का, क्योंकि तू कुछ करेगा तब हमारा कुछ होगा, शादी होगी। हाँ समझ रहे हो नहीं, अदरवाइज अगर आप वो ऐसी है वो भी टाइम पास कर रही है आप भी, तो वो तो टाइम पास करके निकल जाएगी, आपका टाइम पास नहीं हो पाएगा फिर जिंदगी का। उसके बाद फिर क्या करोगे, पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं टाइम पास वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ड्रिंक्स क्यों है, ड्रिंक्स भी मैं गलत नहीं मानता, मतलब मैं नहीं पीता वो अलग बात, लेकिन ड्रिंक्स भी कोई ऐसी गलत चीज नहीं है, लेकिन वहां बहुत गलत है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, आप डिमोरलाइज होंगे, सबसे पहले आप बत्रा पे जाएंगे और थोड़ी सी लेके आएंगे, और फिर आप पिए, आज रिलैक्स करता हूँ, रिलैक्स नहीं करता फिर आदमी, फिर आपको जो है फिर डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब एक एक सही मतलब एक रियल बीमारी है डिप्रेशन, और हैबिचुअल भी हो जाता है ऐसा, पीते पीते कि कुछ भी। हाँ बिल्कुल, माहौल है तो पी रहे, दुख का माहौल है तो, फिर प्रेशर आया तो फिर आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है वहां, आपको सबसे ज्यादा जरूरत फोकस की है। और इससे क्या जाएगा, तुम्हारा फोकस ही तो जाएगा। पिता आदमी क्यों है कि यार दिमाग फ्री हो जाता है, इसलिए तो पिता है कि कोई टेंशन नहीं रहती,
फिर ही नहीं करना है दिमाग को, वहां वहां दिमाग को फोकस करना है। तो इन चार चीज को आप अवॉइड कर दीजिए, पेशेंस रखिए, घर वालों को यही एडवाइज है, पेशेंस रखिए बहुत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका बच्चा जाएगा एक साल में पेपर लेके आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये पेशेंस रखिए बहुत ज्यादा। ये बच्चे भी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है, जैसे अभी एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं कि वो जॉब स्टार्ट करें, पढ़ाई करें, या कौन सा एग्जाम पहले होने वाला है, स्विच करें एग्जाम को। बहुत सारे बच्चे क्या, तो एग्जाम फॉर्मेट भी कई सारे अलग अलग हैं, तो वो स्विच करना चाहते हैं कि अभी इस एग्जाम की करें, उस एग्जाम की करें, किसकी करें। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, तो ये पेशेंस वाली चीज जो आप कह रहे हो ये मुझे भी लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेरेंट्स को भी थोड़ा वो देना चाहिए, वहां पे मोरल बूस्ट चाहिए। पेरेंट्स का साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, पेरेंट्स भी इस बात को पहले से सोच ले, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ना, तो आप ये बच्चे को जाने से पहले डिस्कस कर लो, हाँ। नहीं है तो मत भेजो। लेकिन बच्चा चला गया, आप उसको रोज रिमाइंड करा रहे हो बात की, यार मेरे हमारे घर की फाइनेंस कंडीशन नहीं है बेटा, मैंने लोन ले रखा है, बेटे को वो बात पता है, हाँ, आप भी करा रहे हो तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, और वो उसके दिमाग पर और बहुत लोड है, इतने लोड है आप समझ नहीं पाओगे कि उसका रोल नंबर छूट गया, उसके जीरो नंबर आगे कहीं, उसका फॉर्म छूट गया, उसका आई कार्ड खो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कहीं किसी समुद्र में कूद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना तैर के पार कर जाओगे, उसमें बीच में कुछ आएगा भी तो। ऐसा कोई बंदा नहीं है मुखर्जी नगर में जो आता है, जो पहले अटेम्प्ट में जो एग्जाम देता है उसको पास करके चला जाता है, ऐसा कोई नहीं होता। तो दिक्कतें आएंगी, उस दिक्कतों के टाइम उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, डेफिनेटली। तो वो सपोर्ट देना है आपको। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल है कि ये जो चार चीजें आपने बताई, इनमें चार चीजों में से आपने किसको किसको पकड़ा था, किसको किसको छोड़ा था? फोन मेरे पास छोटा था। अच्छा, फोन मेरे पास छोटा था, एक बटन वाला फोन। वो सोशल मीडिया मैंने सब छोड़ दी थी, मतलब छोड़ दी मतलब लॉग आउट बिल्कुल खत्म, अकाउंट डिलीट। व्हाट्सएप भी शायद तब तो इतना होता भी नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप भी नहीं चलाता था तब मैं। सोशल मीडिया के बाद आया क्या, लड़की, वो तो खैर चलो वो तो कुछ नहीं, वो तो था ही नहीं, वो तो बात अलग है। और जो ड्रिंक्स है वो मैं करता नहीं, तो मेरे साथ चारों ही नहीं थे, चारों ही नहीं थे। तो मेरे साथ अनअवॉइडेबल चीज एक और थी, मेरे साथ दोस्त बहुत थे हमारे। अच्छा, मतलब तो कॉलेज में भी तुम्हें पता ही है, कॉलेज में भी ग्रुप बहुत बड़ा था, तो दोस्तों का आवागमन बहुत ज्यादा था, रूम पे आ जाते वो थे, इतना रूम पे आ जाते थे 3 महीने के लिए। अरे यार, हम गए यार पार्टी मनाने 3 महीने के लिए। और मतलब ये हम, मैं कहूंगा लकीली, अभी कभी उस चीज को हमने मतलब ऐसे इग्नोर नहीं करा कि यार तुम पागल हो गया या मतलब तुम यहाँ आ गया ऐसा कहा या कुछ ऐसा है। देखो, आप चीजों को सेपरेट कर सकते हो, आपको लाइन बनानी आनी चाहिए। चलिए, मतलब किसी तरीके से हैंडल हुआ वो सब, मगर एक तरह से मैनेजमेंट डिस्टर्बिंग तो होता है कि आप कर रहे हो, फिर या तो दोस्त से बात ना करो तो उसको तकलीफ होगा कि यार अब ये अलग ही बदल गया, या तो दोस्त के साथ घूमो तो लाइब्रेरी जाने का टाइम शेड्यूल चेंज करो, पढ़ाई में कम टाइम दे पाओ, इस थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता होगा। बस वो आपको देखो, खैर ऐसे तो दोस्त भी नहीं थे कि वो अब ये कह रहे कि नहीं तू बैठ हमारे साथ, हम दारू पिएंगे, तू बैठ बैठ यही बैठ कहीं मत जा। कई सारे दोस्त तो भी नहीं थे कि तू नहीं पिएगा भाई भी नहीं पिएगा, भाई का कहना नहीं मानेगा, आज मेरा बर्थडे, भाई का बर्थडे आज तुझे पीना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं। बर्थडे वगैरह पे तो हम स्किप करते थे। खैर वो फिर मैंने आपको बताया ना कि हम, मुझे पता लग गया आज रात को दोस्त का बर्थडे है, आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो वो हमने सुबह दिन में आज मॉर्निंग में कवर कर लिया अपना। मतलब जो करना था करना है, किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है, आपको उससे हिलना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी, वो अनमैनेजेबल है वो बिल्कुल। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट फिर भी अगर आपके लाइफ का कोई ऐसा इवेंट हो, जो जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, आप हमारे साथ जो एस्पिरेंट है उनके साथ कोई भी ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से, और आप अपने तरफ से बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। मतलब मैं इसमें एक बात बताना ये चाहता हूँ कि आप ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तैयारी कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, किसी को एक पोस्ट का जज्बा है, किसी को सिर्फ जॉब का जज्बा है, किसी को सिर्फ पैसे का जज्बा है, ये पैसे वाला जज्बा ज्यादातर को है। हाँ, तो आप ये लाइफ में ये हमेशा सोच कर रखिए लाइफ में हमेशा कि आफ्टर जॉब व्हाट,
अच्छा आप अगर ये सोच रहे हैं 40,000 50,000 रुपए मिलते ही आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में है, क्योंकि लाइफ तब शुरू होगी। आपको लाइफ के असली स्ट्रगल उस दिन पता लगेंगे जिस दिन जो वो घर से जो 10-15 हजार रुपए आते हैं ना, और महीने के 1 तारीख को फिर आ जाते हैं, वो सबसे अच्छे हैं, अच्छा क्योंकि उसमें आपको कोई फिक्र नहीं है। और तो जब अकाउंट में सैलरी के जब अकाउंट में सैलरी के 50,000 रुपए आएंगे ना, तो उस वो आपको हमेशा कम पड़ेंगे लाइफ में हमेशा। तो जॉब अच्छा, फिर आफ्टर जॉब क्या, कि मतलब आप अगर सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हैं ना, तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा अगर आप इस सोच से आ रहे हैं, आपको मेरे हिसाब से तो आपको इस चीज से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। मगर एक चीज वो वाला काम डिस्टर्ब करूंगा, आप कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ये होता है या पेरेंट्स के माइंड में ये होता है, जैसे कि आप कस्टम में हो, तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में होता है कि यार कस्टम में चले गए, इनकम टैक्स में चले गए, ये तो मतलब भर भर के पैसा मिलता है, सीबीआई में चले गए, साला एक केस मिली तो लाखों कमाएंगे। तो एक तरह से ये, अब हम चाहे भले नेगेटिव चीज है, मगर लोगों को पैशनेट भी करता है कि वो करना है। जैसे आज लोग नेता भी बनना चाहते हैं कि यार सारा पावर उन्हीं के पास है। नेगेटिव चीजें हैं, नहीं करना चाहिए चाहे करना चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो अलग डिबेटेबल टॉपिक है, बट पैशनेट भी करता है लोगों को, तो सोचते हैं सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है। इसमें आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है ना, आप कैसा भारत चाहते हैं, आपके सपनों का भारत कैसा है। आप जैसा भारत चाहते हैं ना, आप वैसा बनिए। हाँ, भारत को बना पाए चाहे ना बना पाए, एटलीस्ट खुद तो बने। भारत किससे बनेगा जब आप खुद नहीं हो? जब आप खुद नहीं हो तो वो गांधी महात्मा गांधी वाली बात है ना, कि द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड बी इट, सबसे पहले वो चेंज का पार्ट बनिए, आप पहले आप हिस्सा बने उसका। मतलब अच्छा, फिर आपने जगह लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब कस्टम में बहुत, अब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अब मैं हर हफ्ते घर जाता हूँ, पैसा रखने आ गया, अरे ऐसा तो मैं वो हर हफ्ते ट्रॉली बैग लेके जाता हूँ, तो उसमें क्या की जाए, कोई दोस्त मजाक में कहता है कहूंगा कि भाई ले आया बैग भर के, अब कहाँ रखेगा। अब तो मैं तो बैग भर के ले आया, वो सोच रहे हैं मैं बैग भर के लाया हूँ पैसे, और मैं बैग भर के ले गया हूँ कपड़े, क्यों? क्योंकि यहाँ धोते हैं 250 रुपए में। अच्छा। और वहां धोएंगे घर पे। तो वो तो सोच रहे हैं मैं पैसे का बैग भर के लाया हूँ, उन्हें ये नहीं पता यहाँ 300 रुपए बचाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं। अरे यार, ये गलत है, ये मैक्सिमम लोग सोचते हैं ये, जैसे हाँ, ये जो पोस्ट लेकिन है वो गलत सोच है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब सभी लोगों के लिए ये एडवाइज है, चाहे आप जॉब करते हो या ना जॉब करते हो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देश की हालत ऐसी है, अभी सिस्टम ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर करप्ट आदमी बहुत बेकार है, क्योंकि कोई सिस्टम का हिस्सा भी है, कोई कहेगा भी है, सब किसी की मजबूरी है, किसी को हो सकता है, किसी के मल्टीपल रीजंस है, लेकिन जो ऑनेस्ट है ना, अगर आपने उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं की तो वो सब भी टूट जाएंगे एक टाइम के बाद। बहुत जरूरी है। और पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे कि आप बाकी सब डिपार्टमेंट तो थोड़ा टॉलरेट भी हो जाता है, जैसे पुलिस को कोई भी गाली देता है, और पुलिस में बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे भी हैं जो पुलिस में ऑनेस्ट काम करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो तो ऐसा है जैसे कीचड़ में कमल खिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आप उनको मजबूर कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि वो भी उसी लाइन में खड़े हो जाएं। अच्छा, आप उसके दोस्त हो, आप उसके फैमिली वाले हो, आप उसकी वाइफ हो, बच्चे हो, आप भी अगर उसे डिमोरलाइज करोगे तो फिर मतलब ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिलता किसी को ऑनेस्टी का, कभी नहीं मिलता लाइफ में। इवन मैंने डिसऑनेस्ट को जो अवार्ड मिलते देखे हैं, अवार्ड वो भी लिया, तो ऑनेस्टी सस्पेंड हो जाते हो। खेमका, क्या नाम है उनका एग्जैक्टली? हाँ, अशोक खेमका, देखा हरियाणा वाले, और 53 टाइम्स ट्रांसफर हो गया, यही अवार्ड है उसका, यही अवार्ड है। तो मतलब अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपनी एक सर्किल में तो वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपका फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को आपके बच्चे कहने लग जाए पापा आपका दिमाग चल गया, मुझे बाइक नहीं दिला के लाते, और आपके साथ वाले लड़के के बच्चे पे तो बाइक है बहुत बड़ी। बॉलीवुड वाले यही चीज तो प्रमोट करते हैं अक्सर, पुलिस वालों की बीबी यही कहती है कि उसकी बीबी तो हार पहन रही है, तुमको पुलिस बन के क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा आपको ट्रिपल स्टार से? अच्छा, मल्टीपल रीजन है कि
ये तो चोरी का सामान था, आप भी ले लेते, और ये तो चोरी है, इन्हें तो इनसे तो पैसे लेने चाहिए, मतलब बहुत सारे रीजन है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक कॉमन सी एक वो होती है कि हम कोई गरीब का पैसा थोड़ा ही ना ले रहे हैं, हाँ, हम तो जो लूट के लाया ये तो सब, उसका। हाँ ये तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, हम तो इनका पैसा ले रहे हैं, ये एक एक नॉर्मल सी एक अपने डिपार्टमेंट वो है। ये सब पॉइंट, ये सब तो मैटर करता ही नहीं है। आपका आपको मतलब आपको नींद कैसे आती है, मैं ये पूछता हूँ, मतलब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ है, समझ रहे हैं आप? आपकी खुद की बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए ना, आपको खुद क्या करो। तो इन चीजों का मतलब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि यार जैसे भारत का आप सपना देखते हो उसका हिस्सा बनो। और इसका सब हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि बहुत बार हमने मैंने ये भी फील किया है कि जैसे मान लीजिए बच्चे जो होते हैं ना, चाहे वो पुलिस के बच्चे हों, चाहे किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जिनके बच्चे, वो खुद कहते हैं ना कि हमारे पापा ऐसा नहीं करते हैं। तो हम ही जैसे लोग कहते हैं कि तू कह रहा है तेरे पापा नहीं कहते हैं, करते हैं, वो कह रहा है उसके सभी पापा सब नहीं यही करते, कहते हैं, तो किसके पापा हाँ सब यही, करते हैं। तो हाँ सब यही ये भी कहते चीज हैं। होता है, तो सबको समझना चाहिए कि अगर भाई कोई ऑनेस्ट है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करो, एटलीस्ट उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो आप, तो एटलीस्ट उसके मन पर में डिमोटिवेट मत करो। मत करो कि वो भी ऐसे जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल सौरभ सर, आप हमसे बात की, एक्सपीरियंस के साथ अपनी स्टोरी शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और इन फ्यूचर भी जब कभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम जरूर आपकी मदद लेंगे, आपकी आपसे सीखेंगे, और एस्पिरेंट्स भी जो हैं वो भी सीखेंगे और सीखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इस उम्मीद के साथ हमारी दुआएं कह लो आप, या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी दुआएं कर लो कि आप जो चाहते हो फ्यूचर में, जो चीज़ आप अटेम्प्ट करना चाहते हो वो आपको आसानी से मिले। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद। बस जो जो मैंने बातें कही हैं वो थोड़ी, तो खैर ये तो मेरी स्टोरी थी, ज्यादा तो ज्यादा किसी एस्पिरेंट के लिए मैटर नहीं करती, लेकिन बस आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने बातें की, आपको तैयारी करने में उनका थोड़ा ध्यान रखना है, और आपके फ्यूचर के लिए भी, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग चला रहे हैं, दो चार वीडियो मैंने भी देखी है, अच्छा कर रहे जय हैं बहुत, तो आप भविष्य में जो है ऐसा ही करते रहें। चलो जय हिंद जय हिंद। हिंद जय हिंद।